हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं। और यार, मैं आपको बता दूं कि हमारा चैप्टर नंबर 10 है क्या, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, क्या है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और यार, मैं आपको बता दूं कि हम लास्ट के चैप्टर्स देख रखे हैं। सो यार, अगर अभी तक आपने लास्ट के चैप्टर्स नहीं देख रखे हैं, देन प्लीज़ एंड प्लीज़ जाके लास्ट के चैप्टर्स देखिए, देन हम चैप्टर नंबर 10th पढ़ेंगे। ओके, वापस से बोल देती हूँ कि भाई, आप पहले लास्ट के वीडियोज़ देखिए, देन चैप्टर नंबर 10th देखिए। बिकॉज ऑफ जब आप स्टेप टू स्टेप चलोगे तो चीज़ें ऑलवेज क्लियर रहेंगी। और हाँ, अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें और आप हमारे साथ बने रहें। और हाँ, वीडियोस को मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, जिन्हें ज़रूरत हो। ओके, तो हम पढ़ते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में। ओके, तो यार देखिए, जैसा कि हमारा ये चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो इसका मतलब क्या है? देखो, हम चैप्टर नंबर 8th में क्या पढ़े थे, ये जो माइक्रोब्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये ह्यूमन के लिए कितने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, हम ये सारी चीज़ें पढ़े थे। माइक्रोब्स ह्यूमन की लाइफ में कितने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। लेकिन यार, ऐसा नहीं है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे लिए हार्मफुल ही हैं या फिर हमें डिजीज़ ही कॉज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी बातें आपके इस चैप्टर नंबर 10th में प्रूव हो जाएंगी। हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारी ये जो ह्यूमन लाइफ है इसमें कैसे यूज़फुल हैं, हाउ टू यूज़फुल माइक्रोब्स इन ह्यूमन लाइफ, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। ओके, इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10th में। ओके, तो यार लास्ट तक आप बने रहिए हमारे साथ। आप अपनी NCERT बुक खोल लीजिए, हाईलाइटर ले लीजिए और कुछ कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो सारी चीज़ें आप नोट डाउन करते रहिएगा। ओके, अंडरलाइन करते रहिएगा, जिससे आप बाद में बुक खोलो तो मतलब सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएं। ओके, तो हाँ देखते हैं, मैं आपको बताऊं, जैसा कि हम पहले भी देख चुके थे कि ये जो हमारी अर्थ है इस पे माइक्रोब्स का भी एक मेजर पार्ट होता है, बहुत बड़ा पार्ट होता है माइक्रोब्स का भी। बिसाइड्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन दिस अर्थ। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल्स को, मतलब माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को मतलब छोड़ दिया जाए, उसके अलावा भी एक मेजर कंपोनेंट है किसका, माइक्रोब्स का अपनी अर्थ पे। तो यार मैं आपको बताऊं, ये जो माइक्रोब्स हैं ये मतलब लगभग हर जगह फैले हुए हैं। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, मिट्टी में, वाटर में, एयर में, इनसाइड आवर बॉडीज। ओके, इनफैक्ट अपनी बॉडी के अंदर भी माइक्रोब्स देखने के लिए मिलते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ही नहीं, अदर एनिमल्स जो हैं एंड प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर भी हमें माइक्रोब्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हाँ हार्मफुल है, वो सारी चीज़ें हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर अदर साइड देखा जाए तो हमारे लिए कहीं ना कहीं यूज़फुल भी हैं माइक्रोब्स। हाँ, वो अलग बातें हैं कि हार्मफुल है, दे आर प्रेजेंट इवेंट एट साइट वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म्स कुड बी पॉसिबल एग्जिस्ट, जहाँ पे ऑल लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करते वहाँ पे भी हमें ये माइक्रोब्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ तो जैसे कि गीजर्स, जहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस से मतलब टेम्परेचर होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, जहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि वहाँ पे ऑल लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट ही ना कर पा रहे हो, तो यार 100 डिग्री सेल्सियस पे अब कौन सी लाइफ एग्जिस्ट करेगी भाई, कॉमन सी बात है, कोई नहीं। तो लेकिन हाँ, ऐसे कुछ माइक्रोब्स हैं जो कि वहाँ पे रह सकते हैं अच्छे खासे तरीके से, वो खुद को मतलब सर्वाइव कर सकते हैं डीप इन द सॉइल, और सॉइल के बहुत ज़्यादा नीचे, मिट्टी के बहुत ज़्यादा नीचे भी ये रह सकते हैं। और सेवरल मीटर थिक स्नो, मतलब स्नो की, बर्फ की कई लेयर अंदर में भी, इतनी ठंड में भाई कौन सी लाइफ एग्जिस्ट कर पाएगी, कौन वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन ये कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, कर जाते हैं। एंड इन हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट, इनफैक्ट हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट में भी माइक्रोब्स सर्वाइव कर जाते हैं। ओके, और ऐसा नहीं है कि माइक्रोब्स कोई एक ही होते हैं, जैसा कि आप लास्ट चैप्टर देखो यार, मैं इसीलिए हमेशा बोलती हूँ कि भाई आप स्टेप टू स्टेप चलो, बिकॉज ऑफ मतलब होता है ना कि आप जो पीछे चीज़ें पढ़ के आओ कहीं ना कहीं उससे ये आगे बातें रिलेट करती हुई रहती हैं। सो यार, जब वही चीज़ें आपको आगे मिलती हैं तो आप इजीली तरीके से एकदम समझ सकते हो।
सो यार मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि भाई देखो स्टेप टू स्टेप चलो, लास्ट के चैप्टर पढ़ लो, फिर उसके बाद ना मैं कहीं भागी जा रही हूँ ना कहीं वीडियो भागा जा रहा है, उसके बाद आप देखिएगा। ओके तो जैसा कि मैंने बताया कि माइक्रोब्स कैसे होते हैं, डाइवर्स फॉर्म में होते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भाई प्रोटोजोआ ही अकेले होगा। हम ये सारी बातें तो वैसे चैप्टर नंबर 8 में पढ़ ही चुके हैं, कितने टाइप के माइक्रोब्स होते हैं, कैसे डिजीज़ कॉज करते हैं, प्रोटोजोअन्स हो गया जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड सम वायरसेस, वायराइड्स एंड प्रियॉन्स। तो ये सब कैसे हैं भाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल हैं, माइक्रोब्स हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। बातें समझ रहे हो आप, इन्हें हम माइक्रोब्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ हम इन्हें माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। बातें समझ रहे हो आप, दैट आर प्रोटीनिएसिस इन्फेक्शंस एजेंट। ये किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं एंड इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं। ओके अभी हम यहाँ डायग्राम में आगे कुछ माइक्रोब्स देखते हैं। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मेनी फंजाई कैन बी ग्रोन इन और न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज। तो मैं आपको बताऊं कि जहाँ पे इन्हें अच्छा खासा न्यूट्रिशन मिलता है वहाँ पे ये बहुत ही रैपिडली डिवीज़न करते हैं, रैपिडली ग्रो करते हैं। कब, जब न्यूट्रिटिव मीडियम में होते हैं। कहाँ, जब ये न्यूट्रिटिव मीडिया जब इन्हें मिलती है तो ये खुद को ज़्यादा नंबर में बढ़ा लेते हैं। जब ये खुद को ज़्यादा नंबर में बढ़ा लेते हैं तो एक कॉलोनी के फॉर्म में आ जाते हैं। जब ये, मैं आपको बताऊँ कि जब ये कॉलोनी में आ जाते हैं ना, तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई ये कैसे होते हैं, माइक्रोब्स बोलते हैं। माइक्रोब्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ ये माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखे जा सकते हैं। इट मींस ये काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं भाई, इसीलिए तो हम इन्हें अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। बातें समझ रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं इसीलिए हम इन्हें अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं ना। तो मैं आपसे ये यहाँ पर ये बात कर रही थी कि जब ये न्यूट्रिटिव मीडियम में होते हैं अपने, जब ये न्यूट्रिटिव मीडिया में होते हैं तो ये खुद को काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिवाइड करते हैं, तो ये एक कॉलोनी बना लेते हैं। जब ये कॉलोनी बनाते हैं ना तो ये कैसे दिखते हैं, जब हम अपने नेकेड आई से देखेंगे ना तो ये स्पॉट के फॉर्म में दिखेंगे। ये कैसे दिखेंगे, हमें स्पॉट के फॉर्म में दिखेंगे। सोचो ये जब कॉलोनी में होते हैं तब हमें स्पॉट के फॉर्म में दिखते हैं, तो अगर अकेले अकेले होंगे तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा छोटे दिखेंगे और हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। ओके तो ये सारी बातें तो हमने कर ही ली। ओके सच कल्चर्स आर यूजफुल स्टडी ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये मतलब जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की स्टडी करने में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होएगी। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में बात करते हैं, माइक्रोब्स को कुछ देखते हैं। तो यहाँ पे आप ए नंबर पे क्या देख रहे हो, आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये सारे बैक्टीरिया हैं। यहाँ इसमें जो देख रहे हो आप, ये सारे के सारे भाई बैक्टीरिया हैं। ओके तो यहाँ पे आप जो ए नंबर पे देख रहे हो ये रॉड शेप बैक्टीरिया है जैसा कि लिखा गया है, एंड यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, स्फेरिकल बैक्टीरिया है। तो ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया का जो शेप साइज होगा वो मतलब अलग है, बैक्टीरिया मतलब उसके शेप साइज से हम ये चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं कि ये बैक्टीरिया है, तो ऐसा नहीं है। ओके बिकॉज ऑफ जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि बैक्टीरिया कैसा होता है, रॉड शेप भी होता है एंड स्फेरिकल भी होता है। रॉड शेप्ड होने के साथ साथ इसमें फ्लैजेला भी देखने के लिए मिलता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड ये जो फ्लैजेला है ये किसके लिए होता है भाई, ये मूवमेंट में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है बैक्टीरिया को, ये बैक्टीरिया के मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये सारी कुछ बातें हैं, ध्यान रखिएगा। ओके और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, दिस इज़ अ बैक्टीरियोफेज। ये इधर पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे ये जो तीन डायग्राम आपको फिगर नंबर 10.2 में देखने के लिए मिल रहा है, दिस आर वायरसेस, दिस आर सम वायरसेस। ओके ध्यान रखिएगा। हाँ इसका नाम भले बैक्टीरियोफेज है, मैंने आपसे अभी क्या बोला, दिस इज़ अ बैक्टीरियोफेज। ये क्या है, बैक्टीरियोफेज है। अब बैक्टीरियोफेज से ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये बैक्टीरिया होगा, तो नहीं यार, मैं आपको बताऊं कि बैक्टीरियोफेज इज़ अ वायरस विच अटैक ऑन बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस होता है जो कि कहाँ पे अटैक करता है भाई, बैक्टीरिया पे अटैक करता है। वापस से बोल दूं कि बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है जो कि कहाँ पे अटैक करता है, बैक्टीरिया पे अटैक करता है। हाँ जी सारी बातें ध्यान रखिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइए। छोटी छोटी बातें कुछ यहाँ पे कर रहे हैं। ओके तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हो, दिस इज़ अ हेड, कॉलर, टेल, ये प्लेट, यही सारी चीज़ें हैं। ओके एंड यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एडिनो वायरस। बी नंबर पे आप क्या देख रहे हो, दिस इज़ द एडिनो वायरस।
और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊँ, मे बी आपके एग्ज़ाम में पूछ ली जाए, तो ये जो एडिनो वायरस होता है ये क्या कॉज करता है, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है। और आपके NCERT बुक में यहाँ पे डायग्राम में साफ साफ लिखा गया है, दिस इज़ द एडिनो वायरस विच कॉज रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। और हाँ मैं आपको बताऊँ, ये चीज़ें ना इस चैप्टर में आगे आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी, ये यहाँ पे इतनी जो बातें लिखी गई हैं तो इसे आप ध्यान रखिएगा, मे बी आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि NCERT ऐसे ही भाई क्वेश्चन घुमा फिरा के, CBSE ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है, सो आप भी उसी के हिसाब से प्रिपेयर रहिए। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, एडिनो वायरस क्या कॉज करता है, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, इतनी सिंपल सी बातें हैं। एंड यहाँ पर आप सी नंबर पर क्या देख रहे हो कि आपको कुछ रॉड शेप्ड वायरस भी देखने के लिए मिलते हैं। कैसे रॉड शेप्ड वायरस भी देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि कैसे ग्रो कर रही हैं, कॉलोनी में ग्रो कर रही हैं, आप यहाँ पे स्पॉट में देख पा रहे हो। हाँ यहाँ पे ये जो पेट्रीडिस है, पूरी पेट्रीडिस में क्या ग्रो कर रही है, बैक्टीरिया ग्रो कर रही है। ओके तो हाँ यहाँ पे इतनी सारी जो हैं इन्हें तो हम कॉलोनी बोलेंगे ही, लेकिन यहाँ पे ये जो आप ऐसे छोटे छोटे स्पॉट देख रहे हो, स्पॉट देख रहे हो ना, इन्हें आप अपनी नेकेड आई से कब देख सकते हो, कब देख सकते हो, जब इसमें ढेर सारी बैक्टीरिया हो, ढेर सारी बैक्टीरिया इन द सेंस ये कैसी हो, कॉलोनी में हो, ये कैसी हो भाई, कॉलोनीज में हो। ओके तो यहाँ पे हमें कॉलोनी तो देखने के लिए मिल रही है, मतलब ढेर सारी कॉलोनी देखने के लिए मिल रही है, बातें समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे हमें ढेर सारी कॉलोनी देखने के लिए मिल रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, यहाँ पे कॉलोनीज प्रेजेंट हैं किसकी, बैक्टीरिया की, कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन ए पेट्रीडिस, पेट्रीडिस पे ढेर सारी बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रो कर रही है। एंड यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, फंगल कॉलोनी देखने के लिए मिल रही है हमें, यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रही है, फंगल कॉलोनी जो कि पेट्रीडिस पे ग्रो कर रही है। तो ये सारी चीज़ें माइक्रोब्स की स्टडी करने में आसानी होती है इन सारी चीज़ों से, मतलब जब ये कॉलोनी में होते हैं। ओके तो देखो यार, जैसा कि हमने पहले भी बात कर रखी थी कि हम चैप्टर नंबर 8 में क्या पढ़ के आए हैं कि मोस्ट ऑफ जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स कॉज अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, तो माइक्रोब्स ह्यूमन बींग्स में ज़्यादा नंबर में डिजीज कॉज कर रहे थे, यही सारी चीज़ें हम पीछे देख के आए हैं चैप्टर नंबर 8 में। और वहीं पर अगर बात की जाए ह्यूमन बींग्स की, तो चलो ठीक ही है, एनिमल्स में भी डिजीज कॉज कर दे रहे थे, प्लांट्स में भी डिजीज कॉज कर रहे थे, तो यार मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप हाँ चैप्टर नंबर 8 में ये सारी चीज़ें पढ़ के आए हो कि भाई ये जो माइक्रोब्स होते हैं, वहाँ पे तो मतलब ऐसा ही लग रहा था ना कि ये जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, इनका काम ही है डिजीज़ कॉज करना, वहाँ पे ऐसा ही कुछ फील आ रहा था ना जब हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे। बट यार मैं आपको बताऊँ कि मतलब इस मिसकंसेप्शन में बिल्कुल मत रहिएगा कि ये जो माइक्रोब्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ डिजीज़ ही कॉज करते हैं, या फिर हमारे लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए हार्मफुल ही होते हैं, तो भाई ऐसा नहीं है। सेवरल माइक्रोब्स आर यूज़फुल टू मैन एंड डाइवर्स वेज, तो कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, मैं आपको बात बताऊं कि हमारे लिए ही नहीं, प्लांट्स के लिए एंड अदर एनिमल्स के लिए भी कुछ माइक्रोब्स मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। और अपन जहाँ तक अपनी बात की जाए, अपनी इन द सेंस मतलब ह्यूमन लाइफ की बात की जाए, तो हर तरीके से कई बे में हर जगह इनका यूज़ देखने के लिए मिलता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, मतलब ऐसे ऐसे जगह पे माइक्रोब्स का आपको यूज़ देखने के लिए मिलेगा कि आप एकदम से भाई आश्चर्यचकित रह जाओगे। ओके तो देखते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, तो देखते हैं हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स का क्या काम है, कैसे यूज़फुल हैं, कैसे ये अपना रोल प्ले करते हैं। ओके यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट वी यूज़ माइक्रोब्स आर प्रोडक्ट्स डिराइव फ्रॉम देम एवरी डे। ओके तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई ये जो माइक्रोब्स हैं या फिर माइक्रोब डिराइव्ड जो प्रोडक्ट हैं, इनसे डिराइव्ड जो प्रोडक्ट हैं, वो हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हमारे लिए यूज़फुल हैं, और वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं, एंड हम उसे यूज़ भी करते हैं। तो यार सबसे मतलब एक प्यारा सा एग्जांपल अगर लिया जाए, कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का फॉर्म होना, दूध से दही का फॉर्म होना ये कैसे बनता है भाई, एक कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस, यहाँ पे कौन काम करता है, लैक्टोबैसिलस, यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया काम करता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया काम करता है जो कि मिल्क में ग्रो होता है। बातें ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा बैक्टीरिया जिसे हम क्या बोल रहे हैं, LAB बोल रहे हैं, ये LAB जो है, ओके लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है ये कहाँ पे ग्रो होगा, मिल्क में ग्रो होगा, और कैसे, मिल्क को कर्ड में फॉर्म कर देगा। ध्यान से बातें सुनिएगा, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है, ये मिल्क में ग्रो होगा और मिल्क को
कर्ड में कन्वर्ट कर देगा। एक्चुअली होता क्या है, ये जो एलएबी है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, जब ये ग्रोथ कर रहा होता है तो ये एक एसिड को फॉर्म करता है, एक एसिड को प्रोड्यूस करता है। और ये एसिड क्या करता है, जो मिल्क में प्रोटीन होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं डाइजेस्ट करता है पार्शियली तरीके से, पार्शियली डाइजेस्ट करता है एंड कॉगुलेट कर देता है। बातें ध्यान से सुनिएगा, ये जो एलएबी बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, ये जब मिल्क में ग्रो हो रहा होता है उस टाइम पे एक एसिड को सिक्रीट करता है। जब ये मिल्क में ग्रो हो रहा होता है, कौन, एलएबी बैक्टीरिया, एलएबी जब मिल्क में ग्रो कर रहा होता है तो एक एसिड का सिक्रीट करता है। जो एसिड, ये एसिड का काम क्या होता है, मिल्क में प्रेजेंट प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करता है, पार्शली डाइजेस्ट करता है एंड कॉगुलेट करता है। और ये जो दोनों प्रोसेस है, पार्शली डाइजेस्ट करता है एंड कॉगुलेट करता है, बस उसी से कर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। और अगर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज इनोकुलम आर स्टार्टर कंटेन मिलियंस ऑफ एलएबी, देखो अगर फ्रेश मिल्क रखा है, अगर हम उसमें थोड़ा सा भी कर्ड मिलाएंगे, थोड़ा सा फ्रेश मिल्क में अगर हम थोड़ा सा भी कर्ड मिला देंगे, तो ये जो कर्ड में प्रेजेंट बैक्टीरिया होंगे, ये सुटेबल टेम्परेचर आने पे खुद को नंबर में बढ़ा लेंगे, खुद डिवाइड कर लेंगे। और जब खुद को नंबर में बढ़ा लेंगे तो फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि ये जब ग्रो कर रही होंगी, जब ये नंबर में बढ़ा लिए बैक्टीरिया को, तो फिर सेम वही प्रोसेस होगा, जब ये ग्रो कर रहे होंगे तो एक ऐसा एसिड सिक्रीट करेंगे जो कि मिल्क में प्रेजेंट प्रोटीन को पार्शली डाइजेस्ट करेगा एंड कॉगुलेट कर देगा, फिर से कर्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो थोड़ा सा कर्ड हम मिल्क में मिलाते हैं, फ्रेश मिल्क में मिलाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इनोकुलम बोलते हैं। बातें ध्यान से सुनिएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, इनोकुलम बोलते हैं। इनोकुलम इन द सेंस मतलब स्टार्ट करने वाला, इनोकुलेट करने वाला, या फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, इनोकुलम और स्टार्टर बोलते हैं उसे, है ना। कंटेन मिलियंस ऑफ एलएबी, जो कि एलएबी को मतलब ज़्यादा नंबर में बढ़ा देता है, और फिर सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई दस कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड, फिर से वही चीज़ें हो जाती हैं, मिल्क से मतलब कर्ड में फॉर्मेशन हो जाता है, मिल्क का कन्वर्ट हो जाता है, फॉर्मेशन नहीं कन्वर्ट हो जाता है, बातें एक ही हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो मिल्क होता है, बताना क्या है, आपको भी पता है कि जिसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है, किसकी, कर्ड की, कर्ड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी मिल्क से कहीं ज़्यादा होती है, आपको पता है। हाँ जी पता है, बिल्कुल पता है आपको। लेकिन क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या इंक्रीज़ हो जाता है, विटामिन बी ट्वेल्व इंक्रीज़ होने की वजह से इन और स्टमक टू, और स्टमक में भी मतलब विटामिन बी ट्वेल्व इंक्रीज़ हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है, ओके। और ये जो एलएबी होता है और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कैसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये जो एलएबी होता है किल द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर बॉडी, अपनी बॉडी में जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उन्हें किल कर देता है, ओके। एंड यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, द डो विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली आल्सो फर्मेंटेड बाई बैक्टीरिया। तो हम यही तो देख रहे हैं ना कि हमारे घरों में जो डेली चीज़ें यूज़ होती हैं उनमें ये जो माइक्रोब्स हैं कैसे यूज होते हैं, वो भी पॉजिटिव वे में। तो हम इडली या डोसा बनाते हैं, तो उसके लिए हम डो से हम क्या बनाते हैं, इडली या डोसा। कुछ फूड ऐसे हैं जिन्हें हम डो से बनाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि डो में पफ्ड अप अपीयरेंस होती है ना, जो डो होता है उसमें पफ्ड अप अपीयरेंस होती है इडली या डोसा जब बनाते टाइम, ओके। तो ये जो डो में पफ्ड अप अपीयरेंस होती है, ये कहाँ से आती है भाई? तो यहाँ पे क्या होता है, द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ द डो इज़ ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से पफ्ड अप अपीयरेंस देखने के लिए मिलती है डो में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो ये आप CO2 देख रहे हो, ये कहाँ से आई? तो देखो यार, फर्मेंटेशन की वजह से ये CO2 गैस का प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने के लिए मिलती है, पफ्ड अप अपीयरेंस देखने के लिए मिलती है। बातें समझ में आ रही हैं आपको? देखो यहाँ पे यही तो लिखा गया है, फर्मेंटेड बाई बैक्टीरिया। तो ये फर्मेंटेशन की वजह से CO2 गैस का प्रोडक्शन होता है। बातें भाई ध्यान से सुनिएगा, ओके, क्योंकि ये सारी बातें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई इंपॉर्टेंट होती हैं, ओके। तो फर्मेंटेशन की वजह से CO2 गैस का प्रोडक्शन होता है, और CO2 गैस की वजह से हमें डो में पफ्ड अप अपीयरेंस देखने के लिए मिलती है, ओके।
बातें समझ में आई आपको? हाँ जी बिल्कुल, बातें समझ में आनी चाहिए। सिमिलरली द डो विच इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रेड, तो यहाँ पे भी डो का यूज़ किया जाता है। डो का यूज़ किया जाता है किसको बनाने के लिए? ब्रेड को बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम ईस्ट का यूज़ करते हैं। यूस्ट यहाँ पे किसका फर्मेंटेशन होता है? ईस्ट का फर्मेंटेशन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। बातें ध्यान से सुनिएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। और कौन सी ईस्ट है भाई? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। कौन सी ईस्ट है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ए नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक एंड फूड्स आर आल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन बाय माइक्रोब्स। ओके, तो माइक्रोब्स के फर्मेंटेशन से, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो इडली डोसा, ढेर सारी ऐसे डिशेज हैं और कुछ ऐसे ड्रिंक्स हैं। ड्रिंक्स के बारे में तो अभी आप यहाँ पे नहीं देखे हो, लेकिन हाँ आगे हम ज़रूर देखेंगे कि ढेर सारे ऐसे ड्रिंक्स हैं, कुछ ट्रेडिशनल ड्रिंक हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो टोडी। तो ये टोडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो कि साउथ इंडिया की तरफ काफ़ी ज़्यादा चलता है, साउथ इंडिया की तरफ इसका ट्रेंड होता है टोडी का। तो ये टोडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो कि भाई मैंने नहीं पी रखा है। ओके, तो कैसा टेस्ट है, क्या है, वो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ एक टोडी है जो कि साउथ इंडिया के साइड चलता है। ओके, उसका ट्रेंड है साउथ इंडिया के साइड। ओके, तो यहाँ पे इतनी सी बातें हम कर रहे हैं कि हाँ भाई कुछ ट्रेडिशनल फूड, कुछ ट्रेडिशनल ड्रिंक जो कि कैसे बनाए जाते हैं, माइक्रोब्स के फर्मेंटेशन से। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, ईस्ट के फर्मेंटेशन से क्या बना भाई? ब्रेड बना। बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन से इडली एंड डोसा बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ओके, तो यहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। और ये जो साउथ इंडिया की तरफ ये जो टोडी ड्रिंक बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? फर्मेंटिंग सेफ फ्रॉम पाम। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बम्बू सूट्स टू मेक फूड्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि माइक्रोब्स का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। कहाँ हम एक साइड देख के आ रहे थे कि डिजीज़ ही कॉज किए जा रहे थे, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो कि चीज़ जो कि एक ओल्डेस्ट फूड है, जो कि माइक्रोब्स को यूज करके चीज़ बनाया जाता है। एंड डिफरेंट वराइटीज ऑफ चीज़ आर नोन बाई दियर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर फ्लेवर टेस्ट एंड स्पेसिफिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज। तो देखो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये भी मतलब कई तरीके की होती है, इनका भी कुछ फ्लेवर होता है, कुछ टेक्सचर होता है, कुछ मतलब इनका अलग अलग कैरेक्टर होता है। हर मतलब चार तरीके की चीज़ है। ओके, तो चारों में अपना अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग कैरेक्टर है इनका, अलग अलग अपीयरेंस है। तो भाई उसके लिए जो माइक्रोब्स होगा वो भी तो अलग से यूज़ करना होगा हमें, है ना। तो यहाँ पे इतनी सी बातें मतलब मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मतलब डिफरेंट टाइप्स के चीज़ के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स यूज़ करने होंगे। ओके, डिफरेंट टाइप्स चीज़ आर मेड बाई डिफरेंट टाइप्स माइक्रोब्स, इतनी सी बातें। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि हम एक प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं, लार्ज होल ऑफ स्विस चीज़। आपने स्विस चीज़ को नोटिस किया होगा कि उसमें लार्ज होल होते हैं। ओके, आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाई ए बैक्टीरियम नेम प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई ये जो स्विस चीज होती है इसमें लार्ज होल होते हैं। अब भाई लार्ज होल होते हैं तो वहाँ पे CO2 ज़्यादा चाहिए, बातें समझ रहे हो। और CO2 ज़्यादा कहाँ से आएगी? बैक्टीरिया के ज़्यादा फर्मेंटेशन की वजह से। तो यहाँ पे कुछ अलग तरीके का बैक्टीरिया है जो कि ज़्यादा फर्मेंटेशन करेगा और ज़्यादा CO2 निकालेगा। तो कौन सी बैक्टीरिया है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी, ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो रेक्टिफाइड चीज़ है ये भी अलग तरीके की चीज़ है, जिसमें अलग तरीके का टेक्स्चर होगा, जिसमें अलग तरीके का फ्लेवर होगा, जो कि मतलब अलग तरीके के माइक्रोब से बनाई गई होगी। आर डिपेंडेड बाई ग्रोइंग द स्पेसिफिक फंजाई, बातें ध्यान से सुनिएगा, स्पेसिफिक फंजाई ऑन देम विच गिव द पर्टिकुलर फ्लेवर। अब अलग फ्लेवर है तो अलग तरीके का माइक्रोब्स भी चाहिए होगा। तो इतनी सी बातें थी। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे हम क्या देखते हैं भाई, अभी तक हमने क्या देखा? माइक्रोब्स का हमारे हाउस में, हमारे घरों में कैसे यूज़ था। अभी तक तो हम घर की सारी चीज़ें देखते आ रहे हैं भाई, कुछ ट्रेडिशनल ड्रिंक थी, कुछ फूड थे, इडली डोसा एंड चीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आई, घर की बातें। लेकिन अभी हम क्या देखते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब लार्ज स्केल पे बनती हैं, लेकिन वहाँ पे भी माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। ओके, इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स वर यूज टू सिंथेसिस ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल इन ह्यूमन बींग्स। तो भाई ऐसा नहीं है कि माइक्रोब सिर्फ छोटे छोटे काम करके, हाँ भाई चलो इडली बना लिए, डोसा बना लिए, कुछ ऐसे ट्रेडिशनल ड्रिंक बना लिए लाइक दैट टोडी,
जिसका नाम ही सुने हैं भाई अपन लोग तो। ओके, तो ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी चीज़ों में ही काम आएंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो भाई, इंडस्ट्री इंडस्ट्री का नाम ही सुन के ऐसा लग रहा है कि भाई बड़ी बात की जा रही है, बड़ा बड़ा काम हो रहा है ना, ऐसा समझ में आता है ना। तो यहाँ पे भी माइक्रोब्स ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स को सिंथेसिस करते हैं जो कि ह्यूमन लाइफ में, ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। इनफैक्ट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना ह्यूमन की लाइफ रुक सी जाएगी, अगर ना हो, अगर ये माइक्रोब्स अगर उन प्रोडक्ट्स को ना मतलब सिंथेसाइज करें, ना बनाएं, तो ह्यूमन की लाइफ कहीं ना कहीं रुक सी जाएगी। हाँ, देखते हैं, सारी चीज़ें भी देखते हैं आगे। बीवर्जेस एंड एंटीबायोटिक्स आर सम एग्जांपल्स। तो बीवर्जेस मीन्स, मैं आपको बताऊं, ड्रिंक ड्रिंक इन द सेंस, ये वाटर नहीं, आपका H2O नहीं, H2O की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे, यहाँ पे अल्कोहल की बात की जा रही है, जिसको पीने के बाद इंसान को पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, दुनिया से कोई मतलब नहीं, उसको लगता है कि मैं ही राजा हूँ, बाकी सब प्रजा हैं। ओके, तो वो वाली ड्रिंक की बात की जा रही है। कैसे फॉर्म होती है, वो माइक्रोब्स के द्वारा बनाई जाती है। देखते हैं, सारी बातें देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इतना बताने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई इंडस्ट्रियल लेवल पे भी माइक्रोब्स का यूज किया जाता है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा नंबर में ये प्रोडक्शन करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा टाइप्स के प्रोडक्ट्स भी इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं बाय द माइक्रोब्स। एंड एंटीबायोटिक्स, तो भाई एंटीबायोटिक्स के बारे में तो बताने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज ऑफ आज के टाइम में मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसी डेडली डिजीज़ हैं जिन्हें ठीक किया जा रहा है बाय द एंटीबायोटिक्स। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना लाइफ रुक सी जाएगी अगर ना हो, तो अगर एंटीबायोटिक्स ना हो तो क्या होगा, आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ डिजीज़ हैं जो कि एंटीबायोटिक्स से ठीक की जाती हैं, है ना। खसरा, प्लेग, टीबी, ये सारी डिजीज़ आज किससे ठीक की जा रही है, एंटीबायोटिक्स से ठीक की जा रही है ना। तो आगे चलते हैं, प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल स्केल, ये सारी चीज़ों का इंडस्ट्री लेवल पे मतलब प्रोडक्शन किया जा रहा है। रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटर्स बोलते हैं। देखो, अगर मतलब इंडस्ट्री में बनाया जा रहा है तो भाई लार्ज स्केल पे बनाया जाएगा, तो ये जो ये लार्ज बर्तन होगा मतलब जिसे हम फर्मेंटर्स बोल रहे हैं, जिसमें ये फर्मेंट किया जाएगा, जो ये जो बैक्टीरिया या फिर ये जो माइक्रोब्स हैं जिसमें फर्मेंट किया जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटर्स बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटर्स बोलते हैं। आगे देखते हैं डायग्राम में, मैं आपको भी दिखाती हूँ कि यहाँ पे आप देख लीजिए, दिस इज़ द फर्मेंटर्स, यहाँ पे आप देख लीजिए, इसमें माइक्रोब्स को फर्मेंट किया जाता है। अब भाई इंडस्ट्री में बनाया जा रहा है तो लार्ज स्केल पे तो होगा ही, तो यहाँ पे हम देखते हैं बीवर्जेस। बीवर्जेस मीन्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई ये क्या होता है, ड्रिंक होते हैं, रम, बिस्की, बोट्स का एल्कोहल। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट, यहाँ पे स्पेशली तरीके से ईस्ट का, ईस्ट से मतलब बीवर्जेस को बनाया जाता है, ईस्ट से बीवर्जेस का प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो वाइन, बियर, बिस्की, ब्रांडी और रम। तो इनका सबका ईस्ट के फर्मेंटेशन से ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ओके, कुछ अल्कोहल फॉर द पर्पज ऑफ सेम ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, जो कि किस में काम आ रही थी, क्या बनाने में काम आ रही थी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ब्रेड मेकिंग में काम आ रही थी। आप पीछे पढ़ के आए हो, हाँ जी बिल्कुल आ रही थी, तो ध्यान रखिएगा। ओके, और जिसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं, ज़्यादातर बीवर्जेस ईस्ट बोलते हैं। बीवर्जेस ईस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बीवर्जेस को भी बनाती है, ड्रिंक्स को भी बनाती है, अल्कोहल का फॉर्मेशन भी किससे किया जाता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी से। तो यहाँ पे आपको आपसे पूछा जाएगा इसे हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं, किसको, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस को, और इससे क्या बनाया जा सकता है, इसे हम ब्रेड मेकिंग भी कर सकते हैं। ओके, ब्रेवर सीस्ट इज यूज फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सेरल्स एंड फ्रूट जूस। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जैसा कि आपने मार्केट में सुना है, ये जो अल्कोहल बनते हैं कुछ अंगूर के जूस से बनते हैं एंड सेब के जूस से बनते हैं, तो इन सब चीज़ों को फॉर्म करने में काम आता है। ओके, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये सारी चीज़ें जैसा कि मैंने आपको बताया, रॉ मटेरियल पे भी ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी, जैसा कि रॉ मटेरियल आपका क्या है। ओके, रॉ मटेरियल जैसा कि अंगूर है, संतरा है, सेब है, रॉ मटेरियल आपका वो हो गया। और दूसरी बात, इसके प्रोसेसिंग पे भी डिपेंड ये सारी चीज़ें करेंगी। ओके ओके, तो ध्यान से सुनिएगा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज द फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में मैं आपको बताऊं कि
मतलब रॉ मटेरियल में तो आपको समझ में आया, रॉ मटेरियल में जैसा कि कुछ फ्रूट वगैरह हो गए, ओके। एंड यहाँ पे जो प्रोसेसिंग की बात की जा रही है, तो कुछ का जो फॉर्मेशन किया जाता है, कुछ अल्कोहल का जो फॉर्मेशन किया जाता है बाय द डिस्टिलेशन किया जाता है एंड विदाउट डिस्टिलेशन। सिंपल सिंपल सी बातें हैं, बाय द डिस्टिलेशन या फिर विदाउट डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि हाँ भाई बच्चा पढ़ा है कि नहीं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि जो मतलब अल्कोहल है बाय द डिस्टिलेशन किसका फॉर्म किया जा सकता है या फिर विदाउट डिस्टिलेशन। तो आप ध्यान रखिएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक आर ऑप्टेंड, वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। विदाउट डिस्टिलेशन में ध्यान रखिएगा दो ही चीज़ें हैं, विदाउट डिस्टिलेशन में वाइन है एंड बियर है। बातें समझ में आ रही है, वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। और वहीं पे बात की जाए बिस्की ब्रैंडी एंड रम, बिस्की ब्रैंडी एंड रम ये किससे प्रोड्यूस की जा सकती है, डिस्टिलेशन से। डिस्टिलेशन से क्या बनाया जाता है, बिस्की ब्रैंडी एंड रम, एंड विदाउट डिस्टिलेशन वाइन एंड बियर। इतनी बातें समझ में आई। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो दिस इज़ द फर्मेंटर्स एंड यहाँ पे दिस इज़ द फर्मेंटर्स प्लांट, ओके। तो यहाँ पे ये सारा इसका प्रोसेस चल रहा है, ओके। फर्मेंटर्स पता है कहाँ पे लगा, ये देख रहे हो आप, दिस इज़ द फर्मेंटर्स, ओके। तो यहाँ पे अभी हम क्या पढ़ते हैं, एंटीबायोटिक्स। तो भाई एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत तो पड़ती ही रहती है क्योंकि इतनी ज़्यादा डिजीज़ हैं, एंटीबायोटिक्स, ओके। तो देखते हैं एंटीबायोटिक्स कैसे बनाई जा सकते हैं। एंटीबायोटिक्स मीन्स आप समझ रहे हो, एंटीबायोटिक्स नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा है, एंटीबायोटिक्स। तो देखो एंटी मीन्स, हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, एंटी मीन्स अगेंस्ट ही होता है एंड यहाँ पे भी वही होगा, अगेंस्ट ही होगा। एंड यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, बायोटिक्स। तो बायो से आपको समझ में आ रहा है लाइफ, तो हाँ जी वही है, लाइफ ही होगा, ओके। लेकिन यहाँ पे ऐसा समझ में आ रहा है ना, लाइफ के अगेंस्ट, हाँ इसके पूरे नाम से ये समझ में आ रहा है ना, लाइफ के अगेंस्ट। तो मैं आपको बताऊँ, हाँ यही है लाइफ के अगेंस्ट, लेकिन कौन सी लाइफ, कौन सी लाइफ, डिजीज कॉजिंग लाइफ। मतलब कि लाइफ मीन्स ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो आप, हाँ जी बिल्कुल बोल सकते हो। तो ये जो डिजीज कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करने वाला, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। फिर से सुनिए, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करने वाला, ओके। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करने वाले को हम क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक्स, ओके। तो यहाँ पे भाई एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी स्टोरी है, जरा सा उसे आप सुन लीजिएगा। देखो एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी कैसे हुई, तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊँ ना, ये एकदम से मतलब चांस डिस्कवरी है। मतलब इसको कोई खोजने नहीं गया था कि भाई हम एंटीबायोटिक्स खोजने जा रहे हैं। ये तो एक साइंटिस्ट थे, कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, ये मतलब अपनी लेबोरेटरी में काम कर रहे थे, किस पे, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया पे। तो एक बार क्या हुआ कि ये जब मतलब अपनी लेबोरेटरी में काम कर रहे थे, तो जिस कल्चर प्लेट पे ये काम कर रहे थे, जिस कल्चर प्लेट पे ये काम कर रहे थे ना, उसको धुलना भूल गए, या फिर कह लीजिए उसको प्रॉपर तरीके से धुले नहीं। तो कुछ टाइम बाद ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, कुछ टाइम बाद इन्होंने क्या देखा, सेम कल्चर प्लेट पे, मतलब कि जिस पे ये वर्क कर रहे थे, सेम कल्चर प्लेट पे, कुछ टाइम बाद जिसको इन्होंने प्रॉपर तरीके से धुला नहीं था, तो इन्हें क्या देखने के लिए मिलता है, ये जो कल्चर प्लेट थी ना, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रॉपर तरीके से धुला नहीं था, उस पे क्या ग्रो होने लगे थे, मॉल्ड ग्रो होने लगे थे, ऐसे ऐसे उस पे क्या ग्रो होने लगे थे, मॉल्ड ग्रो हो रहे थे। और ये जो मॉल्ड था ना, ये एक ऐसा केमिकल सिक्रीट कर रहा था अपने चारों ओर, ये जो मॉल्ड था ये एक ऐसा केमिकल सिक्रीट कर रहा था, और इस केमिकल की वजह से इसके चारों ओर स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा था। इसके चारों ओर ये जो स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया था, ये ग्रो नहीं कर पा रहा था, और ग्रो नहीं कर पा रहा था या फिर डेड हो जा रहा था, उसे किल कर दे रही थी। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान ये सारी चीज़ें देखी, लेकिन हाँ इट्स फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वॉज इस्टेब्लिश्ड मच लेटर बाई अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो फुल पोटेंशियल है, मच लेटर, काफ़ी टाइम बाद मतलब ये सारी चीज़ें पता चली कि हाँ भाई ये एक एंटी अच्छे एंटीबायोटिक की तरह ये सारी चीज़ें काम कर सकती हैं, या फिर इनका ये जो प्लान था, ये जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इसे उजागर किसने किया, अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरी, जिसके लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरी को अवार्ड भी मिला, नोबेल प्राइज़ कब, 1945
मैं इस डिस्कवरी के लिए इन तीनों लोगों को अवार्ड मिला। ओके, और मैं आपको बताऊं कि ये जो एंटीबायोटिक का वर्ल्ड वार सेकेंड में काफ़ी ज़्यादा सैनिक को ठीक करने में काम में लाया गया। ओके, दिस एंटीबायोटिक वाज एक्सटेंसिवली यूज फॉर ट्रीट अमेरिकन सोल्जर। यहाँ पे ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, अमेरिकन सोल्जर, ओके, इंडियन नहीं भाई। ओके, अमेरिकन सोल्जर वुंडेड इन वर्ल्ड वार सेकेंड। तो ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड वार सेकेंड में एंटीबायोटिक को काम में लाया गया था काफ़ी सारे सोल्जर्स को ठीक करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये होप है आपको इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी। भाई ध्यान रखिएगा, दिस इज़ अ चांस डिस्कवरी। एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस बाई माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज वन द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ द 20th century। तो सोचो कि एंटीबायोटिक्स कहाँ से फॉर्म हुई, कहाँ से बनी एंटीबायोटिक्स, माइक्रोब्स से। भाई माइक्रोब्स से, हम मानते हैं माइक्रोब्स डिजीज़ कॉज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या देखें, ये जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, ये जो बैक्टीरिया है, इसी से हमें क्या मिल रही है, एंटीबायोटिक्स मिल रही है, दवाएं मिल रही हैं। ओके, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वार सेकेंड में काफ़ी सारे सोल्जर को एंटीबायोटिक्स से ही ठीक किया गया, इसको काम में लाया गया। ओके, और जैसा कि आपको पता है, एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टूअर्ड द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, और आज तक चला आ रहा है। ओके, एंटी मीन्स समझते हो, एंटी इज़ अ ग्रीक वर्ड, मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे हम बात कर चुके हैं। एंटी मीन्स अगेंस्ट होता है, एंड बायो मीन्स लाइफ होता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगेंस्ट द लाइफ, वो भी कौन सी लाइफ के अगेंस्ट काम कर रहा है भाई, कौन सी लाइफ के अगेंस्ट, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म वेयर एज विद रेफरेंस द ह्यूमन बींग्स। ओके, तो ये ह्यूमन बींग्स के लिए मतलब नुकसानदायक तो बिल्कुल ही नहीं है, इनफैक्ट कह लीजिए तो ह्यूमन की लाइफ को प्रो लाइफ बनाने में अच्छा काम करती है, और नॉट अगेंस्ट भी नहीं। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो मॉल्ड होता है, ये केमिकल को सिक्रेट करता है। ओके, ये केमिकल को सिक्रेट करता है, तो यही ये केमिकल जो है, मैंने आपको पहले ही बताया ना, दिस इज़ द केमिकल सब्सटेंस, ओके, विच आर प्रोड्यूस्ड बाई सम माइक्रोब्स एंड कैन किल आर रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है भाई, माइक्रोब्स से ही प्रोड्यूस होता है, ये माइक्रोब्स से ही प्रोड्यूस होता है, और उसी माइक्रोब्स को किल भी कर सकता है, और उसकी ग्रोथ को तो रिटार्ड कर ही देता है, उसकी ग्रोथ को कम कर ही देता है, और उसके अलावा भी अदर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को भी मार के गिरा देगा। यू आर फेमिलियर विद द कॉमनली यूज एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, इसका नाम क्या रखा इन्होंने, जो साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने इसका नाम क्या रखा, पेनिसिलियम, क्योंकि वहाँ पे ये जो मोल्ड था वो क्या सिक्रीट कर रहा था, पेनिसिलियम नोटेटम। ओके, वो क्या सिक्रीट कर रहा था, पेनिसिलियम नोटेटम, दैट्स वाई इन्होंने क्या नाम रखा इसका, पेनिसिलियम। और यहाँ पे इन्होंने काम किस पे किया था, कौन सी बैक्टीरिया पे, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया। ओके, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया। तो यार होप है आपको इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा, ये काम किस पे कर रहा था, एक स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया पे, पेनिसिलियम। डू यू नो दैट पेनिसिलियम वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू डिस्कवर, आपको तो पता ही है कि भाई फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, इट वॉज अ चांस डिस्कवरी, ये भी आपको पता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाइल वर्किंग ऑन स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया, ये भी आपको पता है। वंस ऑब्जर्व ए मोल्ड ग्रोइंग ऑन हिज अनवॉश्ड कल्चर प्लेट, ये भी आपको पता है। अराउंड विच स्ट्रेप्टोकोकाई कुड नॉट ग्रो, तो जहाँ पे मोल्ड ग्रो हो रहा था वहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकाई, उसके चारों तरफ स्ट्रेप्टोकोकाई नहीं ग्रो हो पा रहा था। क्यों नहीं ग्रो हो पा रहा था, क्योंकि ये जो मोल्ड ग्रो हो रहा था ना, वो एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट कर रहा था, एक केमिकल प्रोड्यूस कर रहा था, जिसकी वजह से बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर पा रहा था। और मोल्ड का क्या नाम था, पेनिसिलियम नोटेटम, मतलब मोल्ड जो था पेनिसिलियम नोटेटम था, दैट्स व्हाई इसका नाम पेनिसिलियम पड़ा। तो यार होप है आपको इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी। ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आफ्टर पेनिसिलियम अदर एंटीबायोटिक्स वर आल्सो प्यूरिफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। ओके, तो और ज़्यादा मतलब माइक्रोब से और ज़्यादा एंटीबायोटिक्स बनाए गए, और कुछ एंटीबायोटिक्स मतलब उस पर्टिकुलर माइक्रोब्स को किल कर रहे थे, उसकी ग्रोथ को रोक रहे थे, एंड अदर माइक्रोब्स को भी किल कर रहे थे, मतलब और अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को भी किल कर रहे थे। ओके, एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज।
ओके, तो एंटीबायोटिक की वजह से हमें कुछ ऐसी डेडली डिजीज हैं जैसे कि प्लेग, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया, लिप्रोसी, तो इस एंटीबायोटिक्स की वजह से ऐसी तमाम डेडली डिजीज से लड़ने की क्षमता मिलती है. ओके, विच यूज टू किल मिलियंस ऑल ओवर द ग्लोब. ओके, तो ऐसी न जाने कितनी डिजीज को इस एंटीबायोटिक्स ने किल किया है. ओके, तो यार आज की डेट में मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि क्या हम अपनी लाइफ को एंटीबायोटिक्स के बिना इमेजिन कर सकते हैं. एंटीबायोटिक्स के बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं. यार छोटी छोटी बीमारी होती है तो भाई हम एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं, तुरंत चंगे हो जाते हैं. ओके, तो मैंने आपको बताया ना, छोटी से लेके बड़ी डिजीज तक एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है. और यार एकदम लिटरली बात बताऊँ, एकदम जेनविन बात बताऊँ, तो एंटीबायोटिक्स के बिना आज के डेट में हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं. बातें समझ रहे हो? तो देखो, माइक्रोब्स ही हैं ये सब, हम यही तो पढ़ रहे हैं यहाँ पे ना. माइक्रोब्स का ह्यूमन की लाइफ में कैसे कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, पॉजिटिव वे में. ओके, एंड आगे हम पढ़ते हैं, केमिकल्स, एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स. माइक्रोब्स आर आल्सो यूज कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सर्टेन केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड, एल्कोहल एंड एंजाइम. तो माइक्रोब्स माइक्रोब्स को कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल लेवल में भी यूज किया जाता है केमिकल प्रोडक्शन के लिए. ओके, केमिकल प्रोडक्शन के लिए माइक्रोब्स को मतलब कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल लेवल पे भी यूज किया जाता है. ओके, तो अगर हम इसका मतलब अच्छा अच्छा एग्जाम्पल देखें तो एस्परजिलस नाइगर, जो कि क्या है, एक फंगस है. एस्परजिलस नाइगर एक फंगस है जो कि क्या सिक्रीट करता है, सिट्रिक एसिड को सिक्रीट करता है. ओके, एंड एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई जो कि एक बैक्टीरिया है, आपको नाम से ही पता चल रहा है, जो कि क्या सिक्रीट करता है, एसिटिक एसिड. देखो यार यहाँ पे ये जो तीन चार चीज़ें हैं ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा. ये एस्परजिलस नाइगर जो कि क्या है, एक फंगस है, क्या सिक्रीट करता है, तो आपको पता होना चाहिए सिट्रिक एसिड सिक्रीट करता है, आपको पता होना चाहिए तुरंत से. ओके, और फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा एसिटोबैक्टर एसिटाई, तो यहाँ पर तो मतलब नाम में ही आ रहा है, बैक्टीरिया है. ओके, तो ये जो एसिटोबैक्टर एसिटाई है ये एसिटिक एसिड को सिक्रीट करता है. ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक बैक्टीरियम आप और देख रहे हो, कोलेस्ट्रिडियम ब्यूटिलिसम, जो कि क्या सिक्रीट करता है, ब्यूटेरिक एसिड सिक्रीट करता है. ओके, ब्यूटेरिक एसिड. एंड यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस तो आपको पता ही है कि एक बैक्टीरिया है जो कि लैक्टिक एसिड सिक्रीट करता है. तो यहाँ पे कुछ ये चार पांच चीज़ें हो जाती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एक ईस्ट, कौन सी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी. कौन सी ईस्ट है भाई, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, आप पीछे भी देख के आए हो. कॉमर्शियल प्रोडक्शन में ये किसके काम में आते हैं, इथेनॉल का प्रोड्यूस करते हैं, इथेनॉल को प्रोड्यूस करती है. ओके, किसको प्रोड्यूस करते हैं, इथेनॉल को. माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, लाइपेज आर यूज्ड, डिटर्जेंट, फॉर्मुलेशन ऑफ द हेल्पफुल ऑफ रिमूविंग ऑयली स्टेन. तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हो, कुछ माइक्रोब्स हैं जो कि एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुए ह्यूमन की लाइफ में. ओके, एंड यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, लाइपेज, लाइपेज जो कि एज अ डिटर्जेंट यूज़ होता है ऑयली स्टेन को हटाने के लिए इन द लॉन्ड्री. ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं भाई जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा. तो यार आपने नोटिस किया होगा ना, मतलब आप जो मार्केट से फ्रूट जूस लेके आते हो बॉटल में, जो बॉटल फ्रूट जूस होता है, आपने देखा होगा कि वो ज़्यादा क्लियर होता है एज़ कम्पेयर टू जो आप अपने घर पे बनाते हो. ओके, यू मस्ट हैव नोटिस दैट बॉटल फ्रूट जूस बॉट फ्रॉम द मार्केट आर क्लियरर एज़ कम्पेयर टू दोज मेड एट होम. तो आपने ये सारी बातें नोटिस की होंगी, जो आप घर पे बनाते हो उसमें काफ़ी ज़्यादा रेस वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन आप जो मार्केट से लेके हो आते हो फ्रूट जूस, वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होता है एज़ कम्पेयर टू दोज मेड एट होम. तो आपको पता है ऐसा क्यों, तो यहाँ पे पता है क्या यूज़ होता है, यूज़ ऑफ पेक्टिनेज एंड प्रोटीज. तो पेक्टिनेज एंड प्रोटीज की वजह से ये जो मतलब मार्केट वाले जूस होते हैं ये ज़्यादा क्लैरिफाई होते हैं. ओके, ये ज़्यादा क्लैरिफाई होते हैं. दिस इज़ बिकॉज ऑफ बॉटल जूस आर क्लैरिफाई बाय द यूज़ ऑफ पेक्टिनेज एंड प्रोटीज. तो आप घर पे तो पेक्टिनेज एंड प्रोटीज यूज़ नहीं करते हो. ओके, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है, जरा बातें ध्यान से सुनिएगा भाई, ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है दिस इज़ अ प्रोड्यूस बाय स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया. ये पता है आपको? हाँ जी बिल्कुल पता है, अभी अभी हम पढ़ रहे हैं ना, अभी अभी तो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस, है ना.
अभी अभी पढ़े हम। तो यहाँ पे थोड़ी सी बातें और ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम प्रोड्यूस बाय स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ये पता है। तो यहाँ पे होता क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम में मोडिफिकेशन की जाती है। कैसी मोडिफिकेशन की जाती है, यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाले जो पेशेंट की मतलब ब्लड वेसल में जो क्लॉट बस्टर हो जाता है ना, जो क्लॉट बस्टर होता है जिससे स्ट्रेप्टोकाइनेस की हेल्प से क्लॉट टूट जाते हैं, क्या समझे आप, स्ट्रेप्टोकाइनेस की वजह से जो ये पेशेंट होते हैं, कौन वाले, मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाले जो पेशेंट होते हैं जिनकी ब्लड वेसल में क्लॉट होते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस की वजह से ये क्लॉट टूट जाते हैं। और ये स्ट्रेप्टोकाइनेस कहाँ से प्रोड्यूस होता है भाई, स्ट्रेप्टोकोकस से। स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, एक बैक्टीरिया है। तो बातें समझ में आई यार आपको, हाँ जी बिल्कुल आनी चाहिए। और ये कैसे कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से मॉडिफाई किया जाता है, ओके, कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से मतलब स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम में इसकी मॉडिफिकेशन की जाती है। तो यार होप है बात समझ में आई होंगी। क्लॉट बस्टर फ्रॉम द ब्लड वेसल ऑफ पेशेंट हु हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू द हार्ट अटैक। तो सोचो इतनी बड़ी बड़ी डेडली डिजीज हैं जो कि ठीक की जा रही है, ओके। अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन। तो देखो यार आप चैप्टर नंबर एट्थ में क्या पढ़ के आए हो, इम्यून सिस्टम पढ़ के आए हो। तो भाई अगर आप मेरे साथ इम्यून सिस्टम पढ़े होगे तो आप वहाँ पे मतलब किस कहीं भी आप पढ़े होगे इम्यून सिस्टम अगर प्रॉपर तरीके से पढ़े होगे आप तो वहाँ पे आप ये भी पढ़े होगे CMI। अब CMI क्या होता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। क्या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, तो मैंने आपको बताया था कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में होता क्या है, आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है, बातें ध्यान से सुनिएगा। देखो यार मैं बातें आपको बहुत अच्छे से आराम से बता रही हूँ, हाँ हम दो मिनट देर से पढ़ेंगे, पीछे जाके पढ़ेंगे, पीछे वाली चीज़ें आगे रिकॉल करेंगे, हम देर से पढ़ेंगे लेकिन एकदम सही से पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे हमारे, बातें समझ रहे हो आप, हम जितना पढ़ेंगे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसी में हौच पौच नहीं करना है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ के आए थे इम्यून सिस्टम में CMI। तो हम इम्यून सिस्टम में ये बातें सीखे थे कि भाई हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारी बॉडी में अगर कोई पैथोजन आता है, कोई बाहरी ऑर्गेनिज्म आता है तो उसे तुरंत मार के भगा देता है ना। तो अगर सोचो अगर एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, अगर एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिसे हम पैथोजन बोलते हैं, अगर वो आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम इतना एक्टिवेट हो जाता है, हमें मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जुकाम हो जाता है, छींकें आती हैं, इतने सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं हमें हमारी बॉडी में, है ना। तो मतलब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो हम CMI में क्या पढ़े थे कि भाई सपोज़ कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी किडनी ख़राब है या फिर कोई भी ऑर्गन ख़राब है, तो अब अगर उस बंदे की किडनी ख़राब है तो वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराएगा, तो मतलब वो किसी दूसरे बंदे से एक अच्छी किडनी लेगा, मतलब हेल्दी किडनी लेगा। तो अब सपोज़ ये बंदा है, अब इस बंदे से किडनी लेगा तो क्या इसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा? होगा जी, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे देखा था ना, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में इंटर किया नहीं कि आपके इम्यून सिस्टम उथल पुथल मचाने लग जाते थे। तो यहाँ पे सोचो आप पूरा का पूरा ऑर्गन ले रहे हो, तो आपका इम्यून सिस्टम चुप थोड़ी ना बैठने वाला है। यहाँ पे एक इम्यून सिस्टम होता है CMI। तो बस यार ये बातें समझाने के लिए मैंने आपको इतना सारा मतलब बताया कि आपको मैंने इतना सब कुछ पता है किस लिए बताया कि आपको भाई प्रॉपर तरीके से बातें समझ में आ जाए, कि आप दोबारा ना भूलें, मतलब आप थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ते हो ना तो बातें आपको हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि भाई अगर आप ऑर्गन ले रहे हो तो यहाँ पे भी आपका इम्यून सिस्टम काम करेगा। कौन सा इम्यून सिस्टम काम करेगा? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, CMI। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को चुप कराने के लिए कि भाई तुम शांत रहो, इसको हम रिश्वत देते हैं। रिश्वत इन द सेंस हम एक इम्यूनो सप्रेसेंट देते हैं। क्या देते हैं? कि इम्यूनो सप्रेसेंट देते हैं कि CMI जो है, ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है, ये शांत हो जाए और हम जो इस बंदे से एक किडनी लिए हैं, एक ऑर्गन लिए हैं, वो सही सही चले, उसे हम लिए रहें,
वरना क्या होगा कि हमारी जो बॉडी होगी, हमारा जो इम्यून सिस्टम होगा, इस किडनी को नेगलेक्ट कर देगा। हालांकि इसे वापस देने तो नहीं जाएगा, लेकिन नेगलेक्ट ज़रूर कर देगा, वापस से वही कंडीशन आ जाएगी। मतलब वो बंदा फिर से एक किडनी के बिना ही रहेगा। तो इसलिए इसे क्या देना होगा, इम्यूनो सप्रेसेंट देना होगा, इम्यूनो सप्रेसेंट। और हाँ, याद रखिएगा, वो लाइफ टाइम के लिए इम्यूनो सप्रेसेंट लिया जाएगा। तो यार, मैंने आपको यहाँ पे इतनी सारी एडिशनल बातें बता दी हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो ये एडिशनल जो आप सुन लिए, ये नुकसान नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम ये बातें करते हैं, अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन दैट इज़ यूज्ड एज एन इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। तो साइक्लोस्पोरिन क्या है, एक इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है। तो इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट क्यों दिया जाता है, बातें समझ में आ रही हैं आपको। इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस। तो एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट को क्या दिया जाता है, इम्यूनो सप्रेसेंट दिया जाता है। और इम्यूनो सप्रेसेंट है क्या, इम्यूनो सप्रेसेंट एक फंगस है, साइक्लोस्पोरिन इज अ इम्यूनो सप्रेसेंट। ओके, ध्यान रखिएगा, साइक्लोस्पोरिन इज अ इम्यूनो सप्रेसेंट, जो कि कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, बाय द फंगस। ध्यान से सुनिएगा, साइक्लोस्पोरिन इज अ इम्यूनो सप्रेसेंट, जो कि कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, बाय द फंगस। और कौन सा फंगस, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। कौन सा फंगस, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। भाई बातें ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा, जो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं मैं वो बता देती हूँ कि भाई ये चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं, सो ध्यान से सुनिए। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम इज अ फंगस जो कि किसका प्रोडक्शन करता है, साइक्लोस्पोरिन का। एंड साइक्लोस्पोरिन किस में काम आता है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट में, एज अ इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट काम करता है। एंड इम्यूनो सप्रेसेंट किसे दिया जाता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट को। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट को इम्यूनो सप्रेसेंट क्यों दिया जाता है, सो यार ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ओके, स्टैटिन्स प्रोड्यूस बाय द ईस्ट, कौन सी, मोनस्कस परप्यूरस। ओके, हैव द कॉमर्शलाइज एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। तो ये जो मतलब ईस्ट है, यहाँ पे ईस्ट का भी भाई बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है। ये किस कैसे काम करता है, स्टैटिन्स उस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है जो कि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, ब्लड में जो बढ़े कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो ईस्ट कम कर देता है। ओके, यहाँ पे मतलब ये जो स्टैटिन्स होता है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, बाय द ईस्ट। स्टैटिन्स प्रोड्यूस बाय द ईस्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड में जो बढ़े कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो ईस्ट कम कर देता है। और ये जो ईस्ट होता है किसका प्रोडक्शन करता है, स्टैटिन्स। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है मतलब ये स्टैटिन्स जो है ब्लड में बढ़े कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। एंड जो ये स्टैटिन्स है ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ईस्ट से प्रोड्यूस हो रहा है, एज सिंपल एज दैट। इट एक्ट्स बाय कॉम्पिटेटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई स्टैटिन्स उस एंजाइम को ही इनहिबिट कर देता है जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सो यार होप है आपको इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी। आगे हम बात करते हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। आगे हम क्या पढ़ते हैं, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो यार जैसा कि हमें पता है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे यहाँ पे डेली लार्ज नंबर में वेस्ट वाटर जनरेट किए जाते हैं, आपको पता ही होगा, आप देखे भी होंगे। अब यार हमारे यहाँ का मतलब, मैं पर्टिकुलर अपनी बात नहीं कह रही हूँ कि मेरे यहाँ नहीं कह रही हूँ, मतलब कि हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी, हमारे यहाँ पे भी, और जहाँ पे और लोग हैं वहाँ पे भी, मतलब कि सिटीज़ एंड टाउन्स की बात की जाए तो या तो कोई सिटी में होगा या टाउन में ही होगा और कुछ विलेज एरिया में ही होगा, मतलब कि मैं हर जगह की बात कर रही हूँ भाई, हर जगह पे डेली एवरीडे लार्ज नंबर में क्या जनरेट किए जाते हैं भाई, वेस्ट वाटर जनरेट किए जाते हैं। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेट एवरीडे इन सिटीज एंड टाउन। और मैं आपको बताऊं कि ये जो वेस्ट वाटर होता है ना, इसमें लार्ज अमाउंट में क्या होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। और जो ये ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज, द म्यूनसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं भाई, ये जो वेस्ट वाटर डेली और डेली निकलता है हमारी सोसाइटी में, हमारे सिटी एंड टाउन में, उसे हम क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। तो यार मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो लार्ज नंबर में माइक्रोब्स जनरेट किए जा रहे हैं, लार्ज नंबर में जो माइक्रोब्स कंटेन किए जा रहे हैं, कहाँ पे, ये जो वेस्ट वाटर जिसे हम सीवेज बोल रहे हैं, सीवेज में जो लार्ज नंबर में ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स हैं, मैं आपको बताऊं कि सारे के सारे ह्यूमन बींग्स के लिए
मतलब यूज़फुल ही नहीं होते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो यार मेनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक। और यार ऑब्वियसली अगर पैथोजेनिक है तो डिजीज़ कॉज करेगा ही। हैव यू इवर वंडर्ड वेयर दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज आर अर्बन वेस्ट वाटर इज डिस्पोज्ड ऑफ डेली? तो क्या आपके दिमाग में ये बात जानने की क्यूरियोसिटी आई है कभी? तो हाँ जी, यहाँ पे यही सारी चर्चा हम करेंगे कि ये जो ह्यूज क्वांटिटी होती है, जो ज़्यादा नंबर में मतलब वेस्ट वाटर डेली का डेली रिलीज होता है, डेली का डेली जो मतलब जनरेट होता है वेस्ट वाटर, ये कहाँ पे आखिर डिस्पोज किया जाता है, ये सारी बातें जानेंगे। आगे देखते हैं। दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम डायरेक्टली। तो हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई ये कैसे होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, सीवेज है, सीवेज इसमें लार्ज नंबर में ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स होते हैं जिसमें से काफ़ी ज़्यादा पैथोजेनिक होते हैं। और अगर भाई पैथोजेनिक है तो अगर ये डायरेक्टली रिवर स्ट्रीम्स में डाला जाएगा तो यहीं से हम लोग पानी पीते हैं, हाँ जी बिल्कुल, तो ये हमें डिजीज़ पहुँचाएंगे ना, हमें बीमार कर देंगे। तो इसीलिए ये डायरेक्टली, दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इन टू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स डायरेक्टली, ओके, बिफोर डिस्पोजल हैंड सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट डायरेक्टली रिवर्स में या फिर स्ट्रीम्स में, मतलब ये जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ हैं जिसे आप देख रहे हो, इनमें डायरेक्टली डालने से पहले, मतलब कि इसमें डिस्चार्ज करने से पहले इसे क्या किया जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या किया जाता है, इसे ट्रीट किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसटीपी से, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, इट मेक इट लेस पॉल्यूटिंग। क्यों इसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट क्यों किया जाता है, लेस पॉल्यूटिंग बनाने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं भाई, इसमें बहुत तरह के कंटेमिनेशन होते हैं, बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, बीमारियां इन द सेंस इसमें काफ़ी तरह के पैथोजन होते हैं, काफ़ी तरह के माइक्रोब्स होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स ही नहीं और बाकी एनिमल्स। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाई द हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब्स जो कि इसमें नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। किसमें? ये जो आप देख रहे हो सीवेज में ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, जो कि मैं आपको बताऊं, ये जो आप देख रहे हो हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब्स, तो हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब्स के बारे में बात करूं तो ये और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं फॉर द फूड, डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाई द हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई सीवेज में नेचुरली क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसी के द्वारा ये जो हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब्स होते हैं इन्हीं के द्वारा ये ट्रीटमेंट कंप्लीट किया जाता है। बातें ध्यान से सुनिएगा, आपको लेफ्ट राइट नहीं करना है, ओके, और बोर भी मत होइएगा, ओके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट जो किया जाता है वाटर को, ये जो सीवेज है, सीवेज को भाई लेस पॉल्यूटिंग बनाने के लिए किस में ट्रीटमेंट चल रहा है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, ओके। जो यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है तो यहाँ पे ये जो सीवेज होते हैं ना, सीवेज हम किसे बोल रहे हैं, ये जो वेस्ट वाटर है, तो सीवेज में क्या प्रेजेंट होते हैं भाई, हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब्स में आपको बताऊँ क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब्स डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे फॉर द फूड, ओके, डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब्स बोलते हैं। बातें ध्यान से सुनिएगा। दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट टू स्टेजेस। ये ट्रीटमेंट कितने स्टेजेस में होगा, कितने स्टेजेस में, टू स्टेजेस में, एक प्राइमरी स्टेज होगी, एक सेकेंडरी स्टेज, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो देखते हैं क्या कुछ बातें हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमें पढ़नी है एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या कुछ बातें पढ़नी है। दिस ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल। तो यहाँ पे ये जो, जैसा कि आप देखते हैं, ये जो सीवेज होता है, जो वेस्ट वाटर होते हैं, इसमें क्या होते हैं, ऐसे हर तरह की अशुद्धियाँ होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो हम प्राइमरी ट्रीटमेंट पे देखेंगे, तो जो इसमें लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, लाइक दैट पॉलीथीन वगैरह हो गई, तो इन्हें हम फिल्टर कर देंगे फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन के थ्रू ये सारी जो लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल हैं, इन्हें हम रिमूव कर देंगे, ओके। दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस, इनिशियली फ्लोटिंग डिब्राइज एंड रिमूव बाई सिक्वेंसल फिल्ट्रेशन। तो इन्हें बार बार, जब तक ये मतलब सारे जो बड़े या फिर छोटे पार्टिकल हैं जो कि सिक्वेंसल फिल्ट्रेशन करके निकाले जा सकते हैं, उन्हें बार बार फिल्टर करके उन सारे पार्टिकल्स को निकाल दिया जाएगा, ओके। और फिर उसके बाद जो सॉइल होगा या स्मॉल
पिबल्स होंगे वो क्या होंगे कि मतलब सीवेज में, वाटर में, वेस्ट वाटर में जो ये ऊपर छोटे या बड़े पार्टिकल्स तैर रहे थे उन्हें बाय द फिल्ट्रेशन, बाय द सेडिमेंटेशन, बार बार फिल्ट्रेशन करके उन्हें रिमूव कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। अब क्या होता है, इसमें जो छोटी छोटी अशुद्धियाँ होती हैं, जो मतलब सॉइल वगैरह, मिट्टी के जो कण होते हैं वो जाके नीचे बैठ जाते हैं। ओके, वो क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ऑल सॉलिड्स आर सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज, ओके, एंड द सुपरनेंट फ्रॉम द इफ्लुएंट। तो यहाँ पे ये जो ऊपर का मतलब वाटर होगा जिसमें से ये कुछ पार्टिकल्स भी निकाल दिए जा चुके हैं, और यहाँ पे जहाँ पे सॉइल के कुछ कण बैठे हुए हैं, इसके ऊपर का जो वाटर होगा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इफ्लुएंट बोलते हैं, इफ्लुएंट बोलते हैं। ओके, बातें समझ में आ रही हैं आपको, उसे हम क्या बोलते हैं, इफ्लुएंट बोलते हैं। एंड द सुपरनेंट फ्रॉम द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फ्रॉम फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब इस इफ्लुएंट को हम ले जाके कहाँ रख देंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। ओके, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, यहाँ पे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मीन्स, समझ रहे हो आप, यहाँ पे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रीटमेंट करेंगे, यहाँ पे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रीटमेंट करेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे भाई, अभी तक फिजिकल रिमूवल किया जा रहा था, कुछ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स जो कि वाटर में तैर रहे थे ऊपर ऊपर से, उन्हें हम बार बार फिल्ट्रेशन करके उन्हें हम हटा दिए। ओके, और जो सॉइल, मिट्टी के कुछ कण थे, कुछ अशुद्धियाँ थी, वो जाके यहाँ पे तली में बैठ गई। ओके, नीचे बैठ गई। तो यहाँ ऊपर का जो वाटर था जिसे हम इफ्लुएंट बोल रहे हैं, उसे हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले लेते हैं। ओके, उसे हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ये क्या करेगा, ट्रीटमेंट करेगा। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म होगा फॉर द ट्रीटमेंट। द प्राइमरी फ्लेंट इज पास इन टू लार्ज एरेसन टैंक। तो जैसा कि मैंने बताया, उसी को हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट बोल रहे हैं, सेकेंडरी टैंक में लिया जाएगा फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल इफ्लुएंट कहाँ पे पास किया जाता है, लार्ज एरेसन टैंक में, जहाँ पे क्या होता है, इसे कॉन्स्टेंटली एजिटेट किया जाता है मैकेनिकली, एंड एयर पंप की जाती है। किस में, इसमें एयर पंप की जाती है। और ये एयर किस काम में आती है, विग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एयर किस काम में आती है, एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ में। जो यूजफुल माइक्रोब्स होते हैं, जो यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं, वो तेज़ी से ग्रो करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया एसोसिएट विद द फंगल फिलामेंट। बैक्टीरिया क्या करती है, फंगल के फिलामेंट के साथ एसोसिएट हो जाती है, और कैसा स्ट्रक्चर बनाती है, नेट के लाइक का, जाली के जैसा एक स्ट्रक्चर बना लेती है। कौन, बैक्टीरिया किसके साथ एसोसिएट कर लेती है, फंगल फिलामेंट के साथ, और एक नेट लाइक, जाली लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। वाइल ग्रोइंग दिस माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट। तो यहाँ पे जो वाटर में जो ऑर्गेनिक मैटर होंगे, बातें ध्यान से सुनिएगा भाई, बातें ध्यान से सुनिएगा, अभी हम यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर थोड़े ना रिमूव किए थे। ओके, बातें ध्यान से सुन रहे हो आप, यहाँ पे हम ऑर्गेनिक मैटर मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम ऑर्गेनिक मैटर नहीं निकाले थे ना। हाँ जी, यहाँ पे हम मतलब ये सारी जो अशुद्धियाँ थी, जो बड़े बड़े छोटे छोटे जैसे पॉलीथीन वगैरह हो गई, ये सब जो वाटर में तैर रहे थे, इन्हीं सबको हम हटा के मतलब ये जो वाटर था जिसे हम इफ्लुएंट बोल रहे हैं, इसे हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले रहे थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स, जो यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स हैं ये ग्रोथ करेंगे। फिर उसके बाद आपने देखा कि ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया किसके साथ एसोसिएट हो रही है भाई, फंगल फिलामेंट के साथ एसोसिएट हो रही है। और फंगल फिलामेंट के साथ एसोसिएट होने के बाद ये कैसा स्ट्रक्चर बना ले रही है, मेस लाइक मतलब नेट के जैसा एक स्ट्रक्चर बना ले रही है। तो ये जो नेट के जैसा स्ट्रक्चर होगा, वाइल ग्रोइंग दीज माइक्रोब्स, जहाँ पे ये माइक्रोब्स ग्रो हो रहे होंगे, वाटर के ज़्यादातर ऑर्गेनिक मैटर को ये क्या करेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। ओके, कंज्यूम कर लेंगे। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द बीओडी। बीओडी मीन्स, आप जरा समझिए, बीओडी क्या होता है, अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन जो बैक्टीरिया कंज्यूम करता है भाई, बातें ध्यान से सुनिएगा, जो कि बैक्टीरिया कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से 1 लीटर H2O में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज किया जाता है। क्या, 1 लीटर वाटर में प्रेजेंट, 1 लीटर H2O में प्रेजेंट माइक्रोब्स को, 1 लीटर वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को
कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज कर देता है कौन? बैक्टीरिया। ओके, बातें समझ में आई? मैं वापस से बोल देती हूँ भाई, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा बातें। ओके, बीओडी क्या होता है? अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन जो कि किसके द्वारा कंज्यूम किया जाता है, बैक्टीरिया के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो बैक्टीरिया कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से 1 लीटर H2O में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज किया जाता है। तो यार होप है आपको इतनी ये बातें, मतलब बीओडी क्या है ये समझ में आया होगा। ओके, बीओडी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज बाई बैक्टीरिया। तो यही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, होप है आपको समझ में आई होंगी। द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द बीओडी इज रिड्यूस। तो भाई ऑब्वियसली सीवेज वाटर, ये जो वेस्ट वाटर आप लेके आए थे ऊपर देखे थे, ये जो सीवेज का वाटर है ये तब तक ट्रीट किया जाएगा, इसमें तब तक ट्रीटमेंट चलेगा जब तक बीओडी पूरी तरह से रिड्यूस ना हो जाए, जब तक बीओडी पूरी तरीके से रिड्यूस ना हो जाए। ओके, द बीओडी टेस्ट मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सैंपल ऑफ वाटर। ओके, तो यहाँ पे अगर ज़्यादा O2 अपटेक किया जा रहा है, बातें ध्यान से सुनिएगा, अगर ज़्यादा ऑक्सीजन अपटेक हो रहा है मतलब ऑब्वियसली बीओडी ज़्यादा हो रहा है। ओके, बीओडी ज़्यादा है, और अगर बीओडी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये जो वाटर है ये ज़्यादा पॉल्यूटेड था। बातें समझ में आ रही है? ओके, इनडायरेक्टली बीओडी इज मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। तो वही बातें मैंने आपको बताई कि भाई अगर बीओडी ज़्यादा है, ये मतलब हम बीओडी को मेजर करके हम ये बात समझ सकते हैं कि इस वाटर में कितने अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहे होंगे। ओके, ऑर्गेनिक मैटर को हम मेजर कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर बीओडी हाई है तो वाटर ज़्यादा पॉल्यूटेड था। वंस द बीओडी ऑफ सीवेज आर वेस्ट वाटर इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, द एक बार मतलब जब ये बीओडी जब रिड्यूस हो जाता है, उसके बाद हम क्या कहते हैं, इस इफ्लुएंट को पास इन टू द सेटलिंग टैंक। जब बीओडी रिड्यूस हो जाता है उसके बाद हम इसे कहाँ, इस इफ्लुएंट को कहाँ पास कर देते हैं, सेटलिंग टैंक पे, वेयर द बैक्टीरिया फ्लॉक्स आर अलाउड द सेडिमेंट। ओके, द सेडिमेंट कॉल एक्टिवेटेड स्लज, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। तो अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू एरेसेंट टैंक। इसे वापस कहाँ, एरेसेंट टैंक में पंप कर दिया जाता है। क्यों? इसमें बैक्टीरिया होते हैं, यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं सर, वेज अ इनोकुलम। इनोकुलम मीन्स तो आप समझते ही हो, जो कि मतलब ये स्मॉल पार्ट की बात की जा रही है, ये वापस से मतलब एरेसन टैंक में पंप किया जा कर दिया जाता है, जहाँ पे एज अ इनोकुलम काम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें यूजफुल माइक्रोब्स होते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि इसमें यूजफुल माइक्रोब्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर को कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करते हैं। ओके, तो स्मॉल पार्ट की बात कर रही हूँ। ओके, और ये जो रिमेनिंग पार्ट होता है, रिमेनिंग मेजर पार्ट, ये जो स्लज होता है इसका बड़ा पार्ट कहाँ पे पंप किया जाता है, मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पम्प्ड इनटू लार्ज टैंक कॉल्ड एनारोबिक स्लज। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एनारोबिकली जो बैक्टीरिया होते हैं वो एनारोबिकली ग्रो करते हैं। ओके, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है। ओके, बातें ध्यान से सुनिएगा, द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ स्लज इज पम्प्ड इनटू लार्ज टैंक कॉल्ड एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, इसे हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। हियर अदर काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली, तो मतलब कि यहाँ पे और भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि कैसे ग्रो होते हैं, एनारोबिकली डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड द फंजाई इन द स्लज। ड्यूरिंग द डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं ये कैसी होती हैं, इन्फ्लामेबल होती हैं, ज्वलनशील होती हैं। और यहाँ पे देखिए, ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं कौन कौन सी हैं, लाइक दैट मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज गैसेज आर फॉर्म बायोगैस एंड कैन बी यूज ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड ऑल्सो इट इज इन्फ्लामेबल। तो अब ये जो है, कहीं ना कहीं इनमें से अशुद्धियाँ निकल चुकी हैं, इम्प्योरिटी निकल चुकी है। द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज इन द नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड ट्रीटमेंट। ओके, क्यों? क्योंकि अब इनमें से इम्प्योरिटी निकल चुकी है, तो इसे वाटर बॉडीज में, नेचुरल वाटर बॉडी में मतलब रिलीज कर दिया जाता है। यू कैन अप्रिसिएट हाउ माइक्रोब्स प्ले अ मेजर रोल इन ट्रीटिंग मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर एवरी डे की बात की जा रही है, और वो भी अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया की मैं बात कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे मतलब ये माइक्रोब्स कहाँ तो इतने ज़्यादा हार्मफुल ही थे, और कहाँ इतना मतलब अच्छा काम कर रहे हैं जिन्हें हम अप्रिसिएट कर सकते हैं जिसमें। ओके, तो इतने ज़्यादा नंबर में वाटर को मतलब लेस पॉल्यूटिंग बना रहे हैं, जो कि हम
कहीं ना कहीं क्या मतलब, हम ही गंदा करके डालते हैं, हम ही इस वाटर को हम ही तो सीवेज में कन्वर्ट करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, तो उन्हें कौन फिर से प्योर करता है, उनमें से इम्प्योरिटी कौन हटाते हैं? माइक्रोब्स हटाते हैं। ओके, दिस मेथोडोलॉजी हैज़ बिन प्रैक्टिस्ड फॉर मोर देन सेंचुरी नाउ। ओके, अभी तक मैन मेड टेक्नोलॉजी ऐसी कोई नहीं आई है जो कि इसे, ये जो मतलब माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज है, इसे रिप्लेस कर सके। ओके, और ये काफ़ी मतलब काफ़ी पुराने टाइम से चला आ रहा है, और आज तक ऐसी कोई मैन मेड टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो कि सीवेज ट्रीटमेंट को, मतलब माइक्रोबियल सीवेज ट्रीटमेंट को रिप्लेस कर सके। यू आर अवेयर दैट इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, तो भाई हमें पता ही है कि मतलब शहरीकरण कितनी तेज़ी से हो रहा है, कितनी तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, और ऑब्वियसली अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है तो ऑब्वियसली सीवेज भी कहीं ना कहीं ज़्यादा ही प्रोड्यूस होगा। सीवेज इज बींग प्रोड्यूस इन मच लार्जर क्वान्टिटीज देन इवर बिफोर। तो यार ऑब्वियसली जब पहले पॉपुलेशन कम थी तो सीवेज भी कम होता था, और भाई अब लोग ज़्यादा हो रहे हैं तो पहले के कंपेरिजन में सीवेज भी अब ज़्यादा निकलेगा, है ना? तो भाई जैसा कि हमें पता है कि सीवेज बढ़े जा रहे हैं नंबर में, लेकिन ट्रीटमेंट प्लांट्स हैज़ नॉट इंक्रीज इनफ टू ट्रीट सच लार्ज क्वान्टिटीज़। ओके, तो सीवेज बढ़े जा रहे हैं दिन के दिन, लेकिन ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं इंक्रीज हो रहे हैं। तो भाई अब अगर ये जो मतलब सीवेज है, सीवेज अगर मतलब ट्रीट नहीं किया जा सक रहा है, तो इसे मतलब सीवेज को ही नेचुरल वाटर बॉडी में रिलीज कर दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो यार अगर ये सीवेज नेचुरल वाटर बॉडी में जा रहा है लाइक रिवर पॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं डिजीज भी कॉज होगी। सो द अनटर्न सीवेज मीन्स, समझ रहे हो, मतलब कि इसे प्योरीफाई नहीं किया जा रहा है, इसे ट्रीट नहीं किया जा रहा है बाई माइक्रोबियल एक्टिविटी, इसे ट्रीट नहीं किया जा रहा है, इज ऑफन डिस्चार्ज डायरेक्टली इन टू द रिवर्स, लीडिंग दियर पॉल्यूशन एंड इंक्रीज इन वाटर बॉर्न डिजीजेस। ओके, तो वाटर बॉर्न डिजीजेस भी फैल रही हैं। दिस मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल ऑफ फॉरेस्ट हैज़ इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान टू सेव दिस मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पॉल्यूशन। तो अगर हमारी, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो माइक्रोब्स हैं बायोगैस को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। बायोगैस तो मैंने आपको पहले ही बताया, अभी हम पीछे स्लाइड में भी यहाँ पे भी देखे थे कि बायोगैस जो होती है वो किसका मिक्सचर होती है। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, यहाँ पे आप देख पा रहे हो बायोगैस। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो यहाँ पे भी हमें वही सारी चीज़ें देखनी है, लेकिन हाँ जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, मीथेन होता है। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग प्रीडोमिनेंटली मीथेन। ओके, जिसमें सबसे मतलब प्रीडोमिनेंट अमाउंट में क्या होता है, मीथेन होता है। प्रोड्यूस इज अ माइक्रोबियल एक्टिविटी, ऑब्वियसली हम पीछे भी देख के आए हैं। एंड विच मे बी यूज एज अ फ्यूल, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई ये क्या होती है, इन्फ्लामेबल होती है। ओके, एज अ फ्यूल भी यूज किया जा सकता है, वाई नॉट। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, ये जो मतलब माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज इन प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंट टाइप की गैसेस प्रोड्यूस होंगी, ये इस पर डिपेंड करेंगी। द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द माइक्रोब्स एंड अदर सब्सटेंस दे यूटिलाइज। ओके, तो जैसा कि हम पीछे एग्जांपल में देख के आए हैं, अच्छे खासे एग्जांपल बकायदा देख के आए हैं कि उनके मतलब जो रॉ मटेरियल थे और जो प्रोसेस थे, उन पे सब पे ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही थी। द फॉर्मेशन ऑफ डॉ चीज, चीज मेकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ बीवरेजेस, तो बीवरेजेस भी हमने देखे थे। तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि रॉ मटेरियल पे ये सारी चीज़ें मतलब डिपेंड कर रही थी, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस प्रोड्यूस हो रही थी। लेकिन यहाँ पे मेन गैस जो थी वो क्या थी, CO2। हमने देखा था ना, CO2 की वजह से डॉ बन रहे थे, चीज़ में लार्ज होल आ रहे थे, है ना? बीवरेजेस में CO2 की अहम भूमिका थी। हाउएवर सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, कुछ बैक्टीरिया ग्रो एनारोबिकली ऑन सेलुलोज मटेरियल पे कुछ बैक्टीरिया कैसे ग्रो करते हैं, एनारोबिकली प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन। तो यहाँ पे हम देखे थे ऊपर क्या होता है, प्रीडोमिनेंट मीथेन होता है, और किसके किसके साथ, CO2 H2। तो यहाँ पे ये सब मिलके कैसे हो जाते हैं, इन्फ्लामेबल हो जाते हैं। दीज बैक्टीरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड मीथेनोजेंस, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, मीथेनोजेंस बोलते हैं। ओके, एंड वन सच कॉमन बैक्टीरियम मीथेनोबैक्टीरियम, इसे हम क्या बोलेंगे, मीथेनोबैक्टीरियम बोलेंगे। दीज बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन द एनारोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट,
कहाँ, एनारोबिक स्लज। ओके, दिस बैक्टीरिया आर आल्सो प्रेजेंट इन द र्यूमेन। र्यूमेन मतलब र्यूमेन जो कैटल होते हैं उनकी स्टमक का एक पार्ट होता है र्यूमेन। ओके, जैसे गाय या भैंस वगैरह हो गई तो उनके स्टमक में जो जानवर होते हैं हमारे जो कैटल होते हैं उनके स्टमक का एक पार्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं र्यूमेन बोलते हैं। वहाँ पे भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। लॉट ऑफ सेलुलोज मटेरियल प्रेजेंट इन द, तो मैं आपको बताऊँ कि जो सेलुलोजिक मटेरियल होता है वो कैटल के फूड में भी प्रेजेंट होता है। हाँ, कैटल तो यही खाते हैं ना, घास पत्तियाँ वगैरह, तो उनके फूड में भी सेलुलोजिक मटेरियल अच्छे से प्रेजेंट होता है। और जो कैटल होती हैं, कैटल के र्यूमेन जैसा कि मैंने आपको बताया उनके स्टमक का एक पार्ट होता है र्यूमेन, तो उनके र्यूमेन में भी प्रेजेंट होता है। इन र्यूमेन दीज बैक्टीरिया हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ कैटल। ओके, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जो इनका एक्सक्रीटा होता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेलुलोज जो मटेरियल होता है काफ़ी ज़्यादा इनके फूड में होता है और कैटल के र्यूमेन में होता है। र्यूमेन मीन्स आप समझ रहे हो कौन किसका पार्ट होता है, इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है। तो इनका जो एक्सक्रीटा होता है, डंग होता है कैटल का, उसे हम क्या बोलते हैं कॉमनली, गोबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोबर बोलते हैं। और गोबर में ये बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। भाई कौन से बैक्टीरिया? मीथेनो बैक्टीरिया। ओके, मीथेनो बैक्टीरिया कहाँ ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं? कैटल के डंग में। डंग कैन बी यूज जनरेशन ऑफ बायोगैस कॉमनली कॉल्ड एज गोबर गैस। तो यार मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ पे ये मीथेनो बैक्टीरियम होंगे वहाँ पे मीथेनो गैस आराम से बन पाएगी। और ये कैसी होती हैं? इन्फ्लामेबल होती हैं और एनर्जी को भी प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पे हम इसे क्या बोल सकते हैं? गोबर गैस बोल सकते हैं। अब तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? बायोगैस प्लांट देखते हैं। ओके, बायोगैस प्लांट में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? एक टैंक होता है जो कि कैसा होता है, 10 से 15 फीट डीप होता है। अभी आप डायग्राम में देख लो यार, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, तो 10 से 15 फीट डीप होता है जहाँ पे क्या होता है, बायो वेस्ट कलेक्ट किए जाते हैं, मतलब गोबर कलेक्ट किया जाता है। एंड स्लरी ऑफ डंग इज फीड ए फ्लोटिंग कवर प्लेस्ड ओवर द स्लरी। ओके, तो यहाँ पे आप डायग्राम में सारी चीज़ें देख रहे हो। तो यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा बातें कुछ नहीं लिखी गई, यही सारी बातें लिखी गई जो आप डायग्राम में देख पा रहे हो। यहाँ पे क्या है? डंग वाटर है। यहाँ पे क्या है? स्लज है। यहाँ पे क्या है? गैस होल्डर है। और यहाँ से गैस बाहर रिलीज हो रही है। और यहाँ पे क्या आप देख पा रहे हो? डाइजेस्टर देख पा रहे हो। तो यार यहाँ पे यही सारी बातें लिखी गई हैं। कैटल डंग इज अवेलेबल इन द लार्ज क्वांटिटीज इन द रूरल एरियाज वेयर कैटल आर यूज फॉर द वैरायटी ऑफ पर्पस। तो यार जहाँ पे कैटल मिलेंगी फर्स्ट ऑफ ऑल वहीं पे डंग मिलेगा उनका। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे मतलब देखने के लिए मिलती हैं? ऑब्वियसली रूरल एरिया में। ओके, और यहाँ पे मतलब ये जो गोबर गैस है इनका मतलब काफ़ी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। सो बायोगैस प्लांट आर मोर ऑफन बिल्ड द रूरल एरियाज। ओके, तो बायोगैस भी वहीं पे बनेगी भाई। द बायोगैस दस प्रोड्यूस इज यूज टू कुकिंग एंड लाइटिंग। कुकिंग एंड लाइटिंग के लिए बायोगैस का यूज़ किया जा सकता है। द पिक्चर ऑफ बायोगैस तो आप देख ही पा रहे हो। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वॉज डेवलप इन इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? IARI। तो देखो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, लाइटिंग, कुकिंग, इन सारी चीज़ों में चलो काम आया वो तो अच्छी बात ही है, लेकिन एग्रीकल्चर में भी ये काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ओके, और कहाँ पे? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? KVIC। ओके, तो यार होप है आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। और साथ ही साथ हाँ, अगर पॉसिबल हो पाता है तो ये सारी चीज़ें देख पाना, बायोगैस प्लांट ओके नज़दीक से देख पाना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो ज़रूर कोशिश करिएगा अगर आपके स्कूल, कॉलेज, घर के आसपास कहीं ऐसा संभव हो पाता है। तो माइक्रोब्स एंड बायो कंट्रोल एजेंट्स, तो अब हम क्या पढ़ते हैं? माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। तो हम देखते हैं कि ये जो माइक्रोब्स हैं ये एज अ बायो कंट्रोल एजेंट कैसे काम करते हैं। ओके, तो बातें ध्यान से सुनिएगा भाई, सारी बातें मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। बायो कंट्रोल रिफर्स टू द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। तो यार पेस्ट मीन्स आप समझ रहे हो, पेस्ट क्या होते हैं? जो कि मतलब प्लांट को डिस्ट्रॉय करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल वर्ड में पेस्ट बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? पेस्ट बोलते हैं। ओके, इन मॉडर्न सोसाइटी, तो हमारे हमें पता है मतलब आजकल हमारे समाज में क्या होता है कि भाई केमिकल का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ओके, कैसे? एज अ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड। यहाँ पे हम यही तो बात कर रहे हैं, बायो कंट्रोल एजेंट की बात कर रहे हैं। इन मॉडर्न सोसाइटी दिस प्रॉब्लम हैव बीन टैकल्ड इंक्रीजिंग बाय द यूज़ ऑफ केमिकल। ओके,
और केमिकल में क्या यूज़ कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड। तो मैं आपको बताऊँ, ये जो इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स हैं, मतलब ये जो केमिकल्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, एक्सट्रीमली हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बींग्स हैं, और मतलब हमारे लिए ही नहीं एनिमल्स, ओके एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल होते हैं एंड हैव बिन पॉल्यूटिंग आवर इन्वायरमेंट, और साथ ही साथ हमारे इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूट करते हैं। इन्वायरमेंट पर हमारे जैसे सॉइल, ग्राउंड वाटर, अगर सॉइल को मतलब पॉल्यूट कर रहे हैं तो हमारे फूड को भी पॉल्यूट कर रहे हैं, वेजिटेबल को मतलब पॉल्यूट कर रहे हैं, हमारे क्रॉप को भी, हमारी खेती को भी पॉल्यूट कर रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें पॉल्यूट हो रही हैं, इतनी सारी चीज़ों में पॉल्यूशन घुस रहा है, तो हम थोड़ी ना सेफ़ हैं, हम कहाँ से सेफ़ हैं भाई। अगर हमारी हवा, पानी और जो मतलब हम मिट्टी, मिट्टी में जो हम उगा रहे हैं फ्रूट, वेजिटेबल, क्रॉप, ये सारी चीज़ें अगर पॉल्यूटेड हैं, तो भाई हमारे लिए तो खतरा है ही, हम भी उसी में मतलब पीसे जाएंगे। आपने कहावत सुनी होगी, गेहूँ के साथ घुन भी पीसा जाता है, तो हम ये सारी चीज़ें खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो हमारे लिए तो हार्मफुल है ही। और बात की जाए हमारी मिट्टी, हमारी सॉइल, तो हमारी सॉइल तो और ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रही है, क्योंकि हम किसका यूज़ करते हैं, सॉइल इज़ ऑल्सो पॉल्यूटेड थ्रू आवर यूज़ ऑफ वीडीसाइड्स टू रिमूव वीड्स। वीडीसाइड्स मीन समझ रहे हो, वीडीसाइड्स आप खरपतवार समझते हो, खरपतवार मतलब कि हमारे जो मतलब क्रॉप होती है, हमारे जो प्लांट्स होते हैं, उनके साथ जो एडिशनल प्लांट होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट होते हैं हमारी क्रॉप में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वीडिसाइड्स यूज़ करते थे। यार ये भी एक केमिकल है और ये भी हमारी सॉइल को पॉल्यूट करती है, और अगर हमारी सॉइल पॉल्यूट हो रही है तो यार उस पर जो हम उगा रहे हैं वो भी तो पॉल्यूट होगा ना। हाँ जी बिल्कुल होगा। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज, तो इसमें हम कुछ बातें देखते हैं। इन एग्रीकल्चर देयर इज मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रियलाइज ऑन नेचुरल प्रीडेटर्स रादर देन इंट्रोड्यूसिंग केमिकल्स। तो यार मतलब कि एग्रीकल्चर में अगर हम मतलब ये जो पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, मतलब जो केमिकल्स का यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें मतलब नहीं यूज़ करनी चाहिए, कहीं ना कहीं हमें नेचुरल प्रीडेशन पे डिपेंड रहना चाहिए। नेचुरल प्रीडेशन पे मतलब समझ रहे हो आप, जैसे कि मैं समझाती हूँ, सारी बातें समझाती हूँ भाई। नेचुरल प्रीडेशन मीन्स आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन एग्रीकल्चर देयर इज़ अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट एंड रियलाइज ऑन नेचुरल प्रीडेशन रादर देन इंट्रोड्यूसिंग केमिकल्स। तो अगर हम केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन वही है ना, लालच बुरी बला है भाई, लालच सबको लेके डूबती है। तो मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा जल्दी के चक्कर में ना पड़ के, हम केमिकल्स को यूज़ ना करके, अगर हम नेचुरल प्रीडेशन को यूज करें, नेचुरल प्रीडेशन मीन्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखो क्या होता है, शेर लायन, ये किसको खाएगा, ये हिरन को खाएगा। अब हिरन किसको खाएगा, फूल पत्ती को खाएगा, ओके। तो ये मतलब ये जो चेन है ये चलती रहती है। जैसे आपके घर में आपको चूहा मारना होता है तो आप किसे ले आते हो, बिल्ली को ले आते हो, कैट को ले आते हो, ओके। अगर आपको आपके घर में चूहा है उसे मारना है तो आप बिल्ली को ले आए। अब बिल्ली भगाना है आपको अपने घर से तो आप किसे ले आए, डॉग ले आए। अब अगर डॉग को भगाना है तो आप किसे ले आए, लायन को ले आओगे। तो मतलब ये जो क्रम है इसे बना रहने देना चाहिए। तो सेम यही चीज़ हमारी क्रॉप में होती है, हमारी खेतों में होती है, सेम यही चीज़। तो उसके लिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे घर में चूहा है तो बिल्ली भी है, कुत्ता भी है और शेर भी है, तो ये सब अपना खुद ही निपट लेंगे, सब खुद ही भाग जाएंगे। मतलब हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है भाई, हमें केमिकल्स यूज़ नहीं करना है, मतलब केमिकल्स यूज़ करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है हमें केमिकल्स यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि केमिकल्स कैसे हैं भाई, हार्मफुल हैं हमारे लिए, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हैं। एक की बिलीफ ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मर इज़ दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्थ। तो अगर बायोडाइवर्सिटी मीन समझ रहे हो आप, बायोडाइवर्सिटी तो यार मतलब ये बातें तो आपको समझ में आ ही रही होंगी। बायोडाइवर्सिटी में जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो भाई, लायन है, डॉग है, कैट है, रैट है, ये सब क्या है, यहाँ पे आप जो देख रहे हो लाइफ है,
बायो मीन्स लाइफ ही तो होता है, और इसमें क्या है, डाइवर्सिटी है, हर तरह की लाइफ है। तो यार सोसाइटी में हर तरह की लाइफ होनी चाहिए भाई, कोई ये नहीं है कि एक ही रहेगा। सपोज अगर बिल्ली बिल्ली ही रहेगी तो उसे खाने के लिए क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा ना। अगर बिल्ली ही है, सपोज अगर कैट ही है, तो कैट भी तो एक दिन मर जाएगी, अगर इसे रैट नहीं मिलेगा कैट भी तो मर जाएगी। तो इसलिए इन सबको बना रहने देना चाहिए, और इनके साथ हमें जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। हमें ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए केमिकल्स नहीं यूज़ करना चाहिए। एक की बिलीफ ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर इज़ दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्थ। तो अब हमारे मतलब जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं, हमारे जो फार्मर हैं, उनका ये मानना है अगर हमें हेल्दी लाइफ चाहिए तो बायोडाइवर्सिटी रहने देनी चाहिए। ओके, द मोर वेराइटी ऑफ लैंडस्केप हैज़ द मोर सस्टेनेबिलिटीज। अगर मोर वेराइटी है तो सस्टेनेबल भी ज़्यादा होगा। ओके, द ऑर्गेनिक फार्मर देयर फॉर वर्क टू क्रिएट द सिस्टम वेयर इंसेक्ट दैट आर समटाइम्स कॉल्ड पेस्ट आर नॉट इरेडिकेट। तो मतलब जिन्हें हम पेस्ट बोल रहे हैं, जिन्हें हम बोल रहे हैं कि ये हार्मफुल हैं हमारी क्रॉप के लिए, तो उन्हें मतलब एकदम से नहीं हटा देना चाहिए, एकदम से नहीं हटा देना चाहिए। ओके, बट इंसेक्ट्स आर केप्ट एट मैनेजेबल लेवल बाई द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। तो मतलब इनको ये सारी चीज़ों, मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया बायोडाइवर्सिटी, तो उन्हें लेवल पे रखना चाहिए, उन्हें एकदम से नहीं हटा देना चाहिए, एकदम से रेडिकेट नहीं कर देना चाहिए, क्यों नहीं तो बैलेंस बेकार हो जाएगा। ओके, इकोसिस्टम का बैलेंस बेकार हो जाएगा। ओके, तो इकोसिस्टम का सही रहना, इकोसिस्टम का बैलेंस रहना हमारे लिए अच्छा है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई अगर अगर कैट है, अगर हम चूहे भगा देते हैं तो एक दिन कैट मर जाएगी, बिल्ली मर जाएगी। ओके, और इसी तरह अगर हम कुछ चीज़ें हटा देते हैं तो ये जो हमारी मतलब क्रॉप है उसके लिए जो अच्छे माइक्रोब्स हैं, ये जो अच्छे माइक्रोब्स हैं, सपोज़ ये गुड माइक्रोब्स हैं और ये हमारे लिए हार्मफुल वाले माइक्रोब्स हैं, ये हमारे लिए हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, मानते हैं ये माइक्रोब्स हमारे लिए हार्मफुल हैं, लेकिन जो माइक्रोब्स हमारे लिए अच्छे हैं ये माइक्रोब्स इन पे निर्भर हैं, इनको अपना फूड बनाते हैं, ये माइक्रोब्स इनको अपना फूड बनाते हैं। अगर ये माइक्रोब्स नहीं रहे, ये माइक्रोब्स नहीं रहे तो ये माइक्रोब्स भी नहीं रहेंगे, और ये माइक्रोब्स हमारे लिए क्या हैं, अच्छे हैं, और ये अच्छे माइक्रोब्स नहीं रहे तो हम रहेंगे नहीं रहेंगे भाई, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे यही सारी बातें लिखी गई हैं, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके, कन्वेंशनल द फार्मिंग प्रैक्टिस विच ऑफन यूज केमिकल मेथड टू किल बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल लाइफ फॉर इंडिस्क्रिमिनेटली। तो यार यही बातें यहाँ पे की गई हैं। अब भाई इनमें दिमाग थोड़ी है कि हमें यही वाले मारने हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो केमिकल्स जो होते हैं वो सारे माइक्रोब्स को किल कर देते हैं, फिर वो हार्मफुल हो हमारे लिए, यूजफुल हो, कैसा भी हो, वो सबको किल करते चलते हैं। दिस इज होलिस्टिक अप्रोच दैट सीक्स एंड डेवलप टू अंडरस्टैंडिंग द विफ्स ऑफ इंट्रैक्टिंग बिटवीन द मैरियड ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कंस्टिट्यूट द फील्ड फना एंड फ्लोरा। तो यार हमें इनके साथ रहने की आदत डाल लेनी चाहिए, हमें इनके साथ रहना चाहिए। फ्लोरा मीन्स समझ रहे, फ्लोरा एंड फना, फ्लोरा क्या होता है एंड फना क्या होता है। फ्लोरा मीन्स होता है एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं। फना हम किसे बोलते हैं, फना, फना एक पर्टिकुलर एरिया में जो एनिमल होते हैं उसे हम फना बोलते हैं। ओके, तो ये द ऑर्गेनिक फार्मर होल्ड द व्यू ऑफ द इरेडिकेशन एंड क्रिएचर्स दैट ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पेस्ट इज़ नॉट ओनली पॉसिबल बट आल्सो अनडिज़ायरेबल। तो यार पेस्ट वगैरह हैं, इन्हें हटा देना पॉसिबल तो है, इन्हें एकदम से इरेडिकेट कर देना पॉसिबल तो है, लेकिन हमारे लिए यूजफुल बिल्कुल भी नहीं है। ओके, हमारे लिए यूजफुल बिल्कुल भी नहीं है। फॉर विदाउट द बेनिफिशियल प्रेडेटरी एंड पैरासाइट इंसेक्ट विच डिपेंड अपॉन देम फॉर फूड फॉर होस्ट वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो जो हमारे लिए बेनिफिशियल प्रेडेटर हैं, पैरासिटिक हैं, पैरासिटिक इंसेक्ट्स हैं, वो किस पे डिपेंड है, जिन्हें हम पेस्ट बोल रहे हैं, पेस्ट पे डिपेंड है एज फॉर द फूड होस्ट। तो अगर ये जिन्हें हम पेस्ट बोल रहे हैं अगर वो नहीं रहेंगे तो क्या ये सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं सर्वाइव कर पाएंगे ना। तो ये जो बेनिफिशियल प्रेडेटर है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, इन सारे पेस्ट को एकदम से हटा देना हमारे लिए हार्मफुल है। दस द यूज़ ऑफ बायो कंट्रोल मेजर विल बी ग्रेटली रिड्यूस एंड डिपेंडेंस ऑन टॉक्सिक केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स। तो यार जो मतलब हम किस पे डिपेंड हैं, टॉक्सिक केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स,
इंसेक्टिसाइड्स, तो इन सारी चीज़ों को मतलब रिड्यूस करके, इन सारी चीज़ों को छोड़ के हमें कहाँ पे आ जाना चाहिए भाई, बायो कंट्रोल मेजर, ओके, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड रहना चाहिए। एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच टू बिकम फैमिलियर विद द वेरियस लाइफ फॉर्म दैट इनहिबिट द फील्ड प्रेडेटर एज वेल एज पेस्ट। तो यार जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो लाइफ साइकिल है पूरी, ओके, तो उसके लिए ये जो मतलब डाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सही है। अगर हम इन सारी चीज़ों के साथ फैमिलियर नहीं होंगे, इन सारी चीज़ों के साथ रहने की आदत नहीं डालेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए ही हार्मफुल बनती जा रही हैं एंड ऑब्वियसली आगे भी बनेंगी। तो इन सारी चीज़ों के साथ हमें रहने की आदत डाल लेनी चाहिए, ओके। द वेरी फैमिलियर बीटल विद द रेड एंड ब्लैक मार्किंग, द लेडी बर्ड एंड द ड्रैगन फ्लाइज आर यूजफुल टू गेट राइड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटो। तो ये जो जिसको हम बोल रहे हैं, ऐसे एक जिसे हम लेडी बर्ड बोल रहे हैं, ये पूरी रेड कलर की होती है, ब्लैक कलर की ऐसे इस पर मार्क्सिन होती है, डोंट नो आपने देखा या नहीं देखा। वैसे तो मुझे डायग्राम लगा देना चाहिए था, इसकी इमेज लगा देनी चाहिए थी, बट मैंने नहीं लगाया, सॉरी फॉर दैट। तो हाँ, यहाँ पर हम ये बात कर रहे थे कि ये जो लेडी बर्ड होती है, ये ड्रैगन फ्लाई होती है, ये जो एफिड्स होते हैं, मॉस्किटो होती हैं, इनकी पॉपुलेशन को कम कर देते हैं, ओके। और यहाँ पे मैं एग्जांपल की बात करूँ, एन एग्जांपल ऑफ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर ऑफ कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर इज द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बैसिलस थुरियोजेनेसिस ऑफन रिटेन बाई एस बी टी, ओके। ये जो आप कैटरपिलर देख रहे हैं, कैटरपिलर कौन सी बैक्टीरिया से हटता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बैसिलस थुरियोजेनेसिस, जिसे हम क्या बोल रहे हैं बी टी, जो कि ड्राइड फॉर्म में ड्राइड स्पोर विच आर मिक्स्ड विद द वाटर एंड स्प्रेड इनटू वल्नरेबल प्लांट्स सच एज बेरिस्कस एंड फ्रूट ट्रीज। तो ये जो बैसिलस थुरियोजेनेसिस है, इसका ड्राइड फॉर्म मार्केट में अवेलेबल है, जिसको वाटर में मिला के मतलब वल्नरेबल प्लांट पे स्प्रे करने से वेयर दिस आर ईटन बाय द इंसेक्ट। तो ये जो इंसेक्ट है, कैटरपिलर है, ये जब ईट कर लेगा, इसे खा लेगा, तो इसका जो लार्वा होगा, द टॉक्सिन इज रिलीज एंड द लार्वा गेट किल्ड। तो अगर लार्वा ख़त्म हो जा रहा है, ओके, तो कैटरपिलर कहाँ से आएगा ही, तो क्या होगा कि लार्वा इसे खा लेगा और टॉक्सिन जो होगा कहाँ पे रिलीज करेगा, इसके गट में, द बैक्टीरियल डिजीज विल किल द कैटरपिलर। तो यहाँ पे ये कैटरपिलर को किल कर देगा, लेकिन अदर इंसेक्ट को क्या करेगा, छोड़ देगा, ओके, लेकिन और इंसेक्ट को नहीं मारेगा। तो यहाँ पे आप जरा सा बातें ध्यान से सुनिएगा, मतलब बैक्टीरिया में यहाँ पे किया क्या जाता है, ये जो बैक्टीरिया है बैसिलस थुरियोजेनेसिस, तो इसे मार्केट में कैसे लाया गया, मतलब जो इसका ड्राइड फॉर्म मिल रहा है, मैं आपको बताऊँ तो बैक्टीरिया में जो जीन टॉक्सिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, सपोज दिस इज अ बैक्टीरिया और इस बैक्टीरिया का ये मतलब डीएनए है, इसमें जो ये वाला जीन है, मतलब जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टॉक्सिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर्टिकुलर उसी जीन फ्रेगमेंट को निकाल कर प्लांट में इंजेक्ट कर देंगे, ओके। आगे यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ सारी बातें। बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द लास्ट डिकेड ऑल्सो साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस बी, मतलब जिसे हम क्या बोल रहे हैं, बैसिलस थुरियोजेनेसिस, ओके, टॉक्सिन जीन इंटू प्लांट, सच प्लांट्स आर रेजिस्टेंट टू अटैक बाई इंसेक्ट पेस्ट, जिसे हम क्या बोल रहे हैं बीटी कॉटन इज वन सच एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जिस प्लांट में मैंने आपको बताया कि ये जो जीन है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टॉक्सिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बैक्टीरिया में जो जीन टॉक्सिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस पर्टिकुलर उसी जीन को निकाल कर जिस प्लांट में इंजेक्ट किया गया, वो भी अब रेजिस्टेंट हो गया इंसेक्ट और पेस्ट के लिए, ओके। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आप जो देख रहे हो बैक्लोवायरस इज अ पैथोजन जो कि किस पे अटैक करता है, इंसेक्ट पे एंड अदर आर्थ्रोपोड्स पे भी अटैक करता है। द मेजॉरिटी ऑफ बैक्लोवायरस इज यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल अगेंस्ट आर एन जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, दीज वायरस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट्स फॉर द स्पीसीज स्पेसिफिक। ये कैसे होते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, मतलब सारे इंसेक्ट को नहीं मारेंगे। बातें ध्यान से सुनिएगा, किस वायरस की बात की जा रही है भाई, बैक्लोवायरस, जो कि किस कहाँ कौन सी जीनस से है, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। तो यहाँ पे आप बातें ध्यान से सुनिएगा, ये कैसा है, द वायरस इज एक्सीलेंट कैंडिडेट्स फॉर स्पीसीज स्पेसिफिक। ये कैसा है, स्पीसीज स्पेसिफिक है, ओके, तो ऑब्वियसली नैरो स्पेक्ट्रम होगा। इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, क्योंकि ये सबको नहीं मारता है, तो मतलब इनका जो ये जो वायरस है, ये प्लांट पे भी कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेंगे,
मेमल्स पे कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, बर्ड्स एंड मतलब और भी जो जो अदर नॉन टारगेट इंसेक्ट हैं उन पे भी कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, कोई हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। दिस इज स्पेशली डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट आर बीइंग कंजर्व। तो मैंने आपको बताया ना कि ये जो बेनिफिशियल इंसेक्ट होंगे, इनफैक्ट जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होंगे उनको भी नहीं छुएगा, वहाँ पे भी कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे क्या होता है, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन होता है। क्या होता है? नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन होता है, मैंने आपको पहले ही बताया भाई। यहाँ पे क्या होता है, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन होता है, मतलब कि ये जिस पे टारगेट करेगा सिर्फ उसे ही मारेगा और किसी पे कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा, फिर चाहे वो मतलब प्लांट्स हो, मेमल्स हो, बर्ड हो, फिश हो, किसी मतलब नॉन टारगेट इंसेक्ट जो होंगे उन पे कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा। दिस इज स्पेशली डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट फॉर बीइंग कंजर्व टू ऐड इन एन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। ओके, और व्हेन एन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया इज बीइंग ट्रीटेड, तो मतलब कि जिससे अपना मतलब जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी बना रहता है, इकोलॉजिकल बैलेंस पूरी तरीके से बना रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे और किसी को नहीं मारा जा रहा है भाई। हम क्या करते थे भाई, केमिकल यूज़ करते थे, तो केमिकल सबको मार देता था, जो मतलब जो हार्मफुल माइक्रोब हैं, यूजफुल माइक्रोब्स हैं, वो सबको लपेटता चला जा रहा था, मतलब सबको मारता चला जा रहा था। कौन? केमिकल्स भाई, केमिकल सबको मार दे रहा था। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, तो यहाँ पे कुछ बातें देखते हैं कि बायो फर्टिलाइजर्स में माइक्रोब्स कैसे यूजफुल हैं। विदाउट प्रेजेंट डेली लाइफ स्टाइल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज़ अ वेरी कॉज ऑफ कंसर्न। तो यार हमें ये बातें समझ लेनी चाहिए, या फिर हम ये बातें पहले ही समझ चुके हैं भाई, हम अभी अभी पीछे करके आए कि भाई देखो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी पॉल्यूशन है, जो सीवेज निकल रहा है डेली का डेली, उसके सबके जिम्मेदार कौन है भाई? हम ही लोग हैं ना उसके सबके जिम्मेदार। हाँ जी बिल्कुल, तो हमारा जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, हमारी लाइफ स्टाइल जिम्मेदार है। द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर टू मीट द इवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द दिस पॉल्यूशन। ओके, तो भाई पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ खाने की डिमांड भी बढ़ रही है। हाँ जी बिल्कुल बढ़ रही है। तो ये जो केमिकल फर्टिलाइजर है, केमिकल फर्टिलाइजर को हम इसीलिए कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं कि हम एग्रीकल्चर की मतलब ये जो पूरी डिमांड है इसे फुलफिल कर पाएँ। ऑफकोर्स वी हैव नॉट रियलाइज दैट देयर आर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो मतलब हमें ये बातें आज कहीं ना कहीं समझ में आ गई हैं कि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं इनकी वजह से ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, है ना? तो मतलब हम पे भी ये लार्ज प्रेशर है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ ना करें, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ ना करें, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ करें। मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग में मतलब हमें ये देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पे कोई केमिकल नहीं होता। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरी तरह से नेचुरल होती है, उसमें केमिकल नहीं होता है। टू यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, जहाँ पे हम बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, है ना? बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट इनरिच इन न्यूट्रिशनल क्वालिटी। तो ये न्यूट्रिशनल क्वालिटी मतलब सॉइल की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी बढ़ाते हैं। द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनो बैक्टीरियम। साइनो बैक्टीरिया आप जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना? यू हैव स्टडीड अबाउट द नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट एज वी नो, जो दलहनी फसलें होती हैं, जो दलहनी फसलें होती हैं फॉर्म बाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम। तो भाई जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जो रूट्स होती है, रूट्स में क्या देखने के लिए मिलते हैं, कुछ नोड्यूल्स देखने के लिए मिलते हैं। तो जो उनके नोड्यूल्स होते हैं वहाँ पे कौन सी बैक्टीरिया होती है भाई? साइनो बैक्टीरिया। क्या होती है? साइनो बैक्टीरिया, है ना? तो वहाँ पे क्या होता है, ये किस कैसे होते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन मीन्स समझ रहे हो, सिम्बायोटिक एसोसिएशन मीन्स समझ रहे हो, मतलब कि दोनों को फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पे जो ये बैक्टीरिया है उसे भी फ़ायदा होगा, और जो हमारी रूट है मतलब किसकी, दलहनी फसलों की, जो यहाँ पे आप देख रहे हो राइजोबियम, तो मतलब इन दोनों को फ़ायदा होगा। जो रूट के नोड्यूल्स मतलब जो दलहनी फसलें हैं उनको भी फ़ायदा होगा, जो दलहनी फसलें मीन्स लेग्यूमिनस प्लांट भाई, तो मतलब दोनों को फ़ायदा होगा। दिस बैक्टीरिया फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म। तो यहाँ पे जो मतलब एटमॉस्फेयर में, उसके आसपास, उसके एटमॉस्फेयर में जो लेग्यूमिनस प्लांट होगा, लेग्यूमिनस प्लांट के एटमॉस्फेयर में
जो नाइट्रोजन होगा उसको फिक्सेशन करेगा, उसका फिक्सेशन करेगा, नाइट्रोजन को फिक्सेशन करेगा इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म व्हिच इज़ यूज्ड बाय द प्लांट एज न्यूट्रिएंट, मतलब लेग्युमिनस प्लांट होगा उसे ऐसा न्यूट्रिएंट यूज़ करेगा। अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाइल फ्री लिविंग, तो और भी बैक्टीरिया हैं जो कि फ्री होते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा सिम्बायोटिक एसोसिएशन में था, तो भाई वो फ्री थोड़ी था, वो तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में था, लेकिन आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। मैं आपसे अगर एग्जांपल की बात करूँ तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो एजो स्पाइरिलियम, एजोबैक्टर, ये सब कैसे होते हैं, इनरिचिंग द नाइट्रोजन कंटेंट इन ऑफ द सॉइल। ओके, फंजाई आर आल्सो नोन एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द प्लांट्स माइकोराइजा। फंजाई की बात हो रही है यहाँ पे, फंजाई भी किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होती है, माइकोराइजा। मेनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस फॉर माइकोराइजा, ओके, दीज आर एसोसिएशन एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल एंड पासेस इन द प्लांट। तो यहाँ पे ये क्या करती है, मतलब सॉइल से फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करती है, प्लांट को दे देती है। प्लांट हैविंग सच एसोसिएशन सो अदर बेनिफिट्स आल्सो, ओके, सच आर रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजन। तो यहाँ पे जो रूट बॉर्न पैथोजन होंगे वो भी मतलब बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा इसको देंगे। टॉलरेंस ऑफ सैलिनिटी एंड ड्रॉट, तो यहाँ पे अगर जो सॉइल है अगर वो मतलब उसमें नमक ज़्यादा बढ़ जा रहा है या फिर सूखा हो जा रहा है तब भी वो मतलब सूखेगा नहीं, प्लांट सूखेगा नहीं, ओके। अगर वहाँ पे सैलिनिटी हो जा रही है मतलब नमक ज़्यादा हो रहा है, ड्रॉट हो रहा है, तब भी ओवरऑल इंक्रीज द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तब भी प्लांट नहीं सूखेगा, और साथ में ही इंक्रीज द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, साथ ही साथ प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी इंक्रीज करेगा, ओके। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक टेरिस्ट्रियल एनवायरमेंटल, मेनी ऑफ विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। साइनोबैक्टीरिया जो कि कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, ऑटोट्रॉफिक मीन्स मतलब भाई खुद पे डिपेंडेंट फॉर द फूड, ओके। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स, जो कि कहाँ पे होता है, एक्वेटिक मतलब कि जलीय स्थानों, जलीय जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मतलब कि उसके आसपास में जो नाइट्रोजन होते हैं, जैसे कि मतलब कुछ उसे क्या बोलते हैं, दलदली एरिया जो होता है वहाँ पे होता है, ओके। जैसा कि आप एग्जांपल देख पा रहे हो, एनाविना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, इन पैडी फील्ड जो धान की खेती होती है वहाँ पे ये साइनोबैक्टीरिया सर्व एज इम्पॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर। ब्लू ग्रीन एल्गी आल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, ओके। करेंटली इन आवर कंट्री अ नंबर ऑफ बायोफर्टिलाइजर आर अवेलेबल कॉमर्शियली इन मार्केट एंड फार्मर्स यूज दीज रेगुलरली इन दियर फील्ड्स। तो भाई हाँ जी, और करना भी चाहिए, केमिकल्स को अब तो बिल्कुल छोड़ ही देना चाहिए, ओके। मतलब हमारी कंट्री में और भी कंट्री में बायोफर्टिलाइजर्स का पूरी तरीके से यूज़ किया जा रहा है, ओके, कॉमर्शियली तरीके से खेती में, ओके, कॉमर्शियली अच्छे तरीके से यूज़ किया जा रहा है, हमारे फार्मर इन सबको यूज़ कर रहे हैं और मार्केट में भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो पा रही हैं। तो यहाँ पे क्या, रिप्लेनिश सॉइल न्यूट्रिएंट और हमारी सॉइल की न्यूट्रिशन को भी बढ़ा देते हैं एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो ये सारी चीज़ें मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स को एकदम से रिड्यूस कर देती हैं। जब ये सारी चीज़ें कर देती हैं तो भाई हमारे फार्मर्स भी यही कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को एकदम से रिड्यूस कर दे रहे हैं। और किसका यूज़ कर रहे हैं, बायोफर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं। बायोफर्टिलाइजर्स का यूज़ करने से हम भी स्वस्थ रहते हैं और इकोसिस्टम हमारा मेंटेन रहता है, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। और अगर इकोलॉजिकल, जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, बायोडाइवर्सिटी अगर देखने के लिए मिल रही है तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही अच्छी है, बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए ही अच्छी है, ओके। तो होप है ये सारा चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और यार इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ओके, जिससे भाई मैं भी मोटिवेट होती हूँ कि हाँ भाई आगे चीज़ें बेहतर करनी चाहिए आप लोगों के लिए। तो यार वीडियो को फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, एंड इफ़ यू वांट टू मोर वीडियो सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m education youtube channel, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ओके।